हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एकेडमी टॉपर चैनल। दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर। कैसे हैं आप सब? थोड़ा सा मुझे लेट हो गया लास्ट मिनट सेटअप करने में। मेरा एसी नहीं चल रहा था यार, पता नहीं क्या हो गया था उसको। मैंने कहा बिना एसी के तो क्लास हो नहीं सकती, इतनी गर्मी हो रही है। हाँ, क्योंकि सिस्टम की हीट भी होती है ना, तो इसलिए फिर पहले मैंने एसी चलाया, फिर मैंने कहा कि चल थोड़ा ठंडा कर, पता लगे कि ठंडा ही नहीं कर रहा। और सेशन शुरू हो गया तो और फिर मेरी तो हालत खराब हो जाती है। तो यही सब में थोड़ा सा टाइम लग गया। चलो बच्चों, हाउ आर यू गाइस, हाउ आर यू? आज तो 4:30 बजे भी देखा था ना तुमने मुझे मॉर्निंग में, मैंने भी देखा था तुमको। अच्छा लगा था, अच्छा लगा था, काफी अच्छा वेकअप कॉल था आज का मॉर्निंग का। आई रियली लाइक इट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपनी तीसरी यूनिट की ओर बढ़ते हुए, आज की हमारी तीसरी यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसके अंदर हम तीनों चैप्टर आज कवर करेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी कवर करेंगे, स्ट्रैटेजीज भी कवर करेंगे, माइक्रोब्स भी कवर करेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया इन सारे चैप्टर्स को पढ़ाए हुए। ठीक है, तो ये दिस वुड बी द लास्ट रिविजन फॉर 2023। इसके बाद जो होगा वो 24 वालों का होगा। 24 से मुझे याद आया कि मेरा एक बहुत ही बेहतरीन शौर्य बैच आ रहा है, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टॉप एजुकेटर्स के साथ है, प्लस मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी होगी, क्रैश कोर्स भी होगा, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। ठीक है, अभी आप 30 अप्रैल से पहले लेंगे तो आपको 25% ऑफ मिलेगा इफ यू यूज द जी स्क्वायर। एंड यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, हम अभी मांगेंगे जब ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, इस टाइम पे जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलेगा 28,500 रुपए का। 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन 38,000 रुपीज का मिलेगा। तो मेरे बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस 30 अप्रैल को लास्ट AIMT एग्जाम है, ठीक है, वो हमें जरूर ज्वाइन करना है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट ऑफ दिस ईयर, क्योंकि इसके बाद सीधा नीट का एग्जाम होगा। ठीक है बच्चों, एंड सुबह कल 11:30 पे क्या होने वाला है ये तुम मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। व्हाट इज गोइंग टू बी देयर टुमारो 11:30? कल ना ही स्काई होगा, ना ही कहीं कल शेलन होगा, कुछ नहीं होगा। कल होगा असर्शन रीजन। जैसे आज केमिस्ट्री वाले सर ने हमारे असर्शन रीजन लिए थे ना, ऐसे ही मैं कल स्पेशल पर लेने वाली हूँ। मैं स्पेशल पे इसलिए ले रही हूँ जिससे कि तुम थोड़ा सा टाइम लो, मैं देखना चाहती हूँ तुम कैसा परफॉर्म करते हो। मैं तो करा दूंगी, है ना, कल असर्शन रीजन। ठीक है, इसका लिंक कहाँ पे दिया हुआ है, मैंने चैट बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी वीडियो के बाद। बट मैं चाहती हूँ कि पहले मैं तुम्हें समझूं कि तुम कितने पानी में हो, फिर मैं तुम्हें समझाऊं। ठीक है, कल हर चैप्टर के तीन तीन असर्शन रीजन होंगे, तीन या दो असर्शन रीजन होंगे, यानी 38 × 2 इतने क्वेश्चन, करीबन करीबन 80 क्वेश्चन हम असर्शन रीजन के करेंगे 1 घंटे के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे लूंगी। अगर कल तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया तो इसका राउंड 2 भी हम करेंगे। ठीक है, बट आई विल मेक श्योर बिफोर यू गो टू द नीट एग्जाम आपका असर्शन रीजन सुपर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्योंकि मान के चलिए 5 क्वेश्चन कम से कम असर्शन रीजन के आएंगे नीट एग्जाम में, वो 5 क्वेश्चन 5 फोर्जा 20 मार्क्स का बात है। 20 मार्क्स में तो आपको पता है सिलेक्शन हो भी जाता है, सीट भी छूट जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें भाई आज का सेशन। आज बेटा नोट्स वैसे नहीं है जैसे हर दिन होते थे, ये मेरे प्लस क्लास के नोट्स है। पहले तो मुझे बताओ ये नोट्स विजिबल है आपको या नहीं, क्योंकि थोड़े सा मुझे लग रहा है इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होनी चाहिए थी जो अभी नहीं है। आपको दिख रहे हैं अच्छे से? ये मेरे क्लास के नोट्स है जो मैं प्लस बैच में पढ़ाती हूँ, ये आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, पहले बताओ दिख रहे हैं? तो मैं शुरू करूं, थोड़ी यार ब्राइटनेस तेज कर लेना स्क्रीन की, दिख रहे हैं ना? चल जाएगा काम, काम चल जाएगा? यस, क्योंकि वरना फिर मुझे आज का सेशन कल करना पड़ेगा शिफ्ट ये वाला। मैं इन नोट्स को फिर ब्राइटनेस तेज करूंगी, फिर मुझे उसमें टाइम लगेगा। फिर मेरे को कल पढ़ाना पड़ेगा, तो आज ही कर लेना इसको। चलिए आज हम करते हैं, आज हमारा टारगेट ये रहेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर हम 1 घंटे में करें, 1 सवा घंटे में, और बाकी दोनों चैप्टर हम 20-20, 25-25 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे और बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, आज जो हम ये चैप्टर करें इससे 8 क्वेश्चन, मतलब कि सिंस आपको पता है 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए हर एक सेक्शन में, है ना, तो आप लगा के चलिए कि 4 से 5 तो आते ही आते थे, इसके अलावा 7 क्वेश्चन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, डिजीजेस, डिजीजेस का मतलब होता है बीमारी। डिजीजेस का मतलब क्या होता है बच्चों? डिजीजेस का मतलब होता है बीमारियां। बीमारियां बहुत तरीके की होती है, एक बीमारी होती है इन्फेक्शियस, एक होती है नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कॉम्युनिकेबल। इन्फेक्शियस बीमारी हुआ है जैसे आपने खा दिया, जैसे कि कोल्ड, कोल्ड एक टोटका है, कोल्ड की कोई दवाई नहीं बनाई। अच्छा तुम खुद मुझे बताओ कि आज तक
साइंटिस्ट लोगों ने कोल्ड की वैक्सीनेशन क्यों नहीं बनाई, क्यों आज तक उन्होंने, क्योंकि एक तरह का टोटका है, जब तक आप इसको किसी और को नहीं दे देते ये ठीक होता ही नहीं है, आपको इसे किसी और को देना पड़ेगा तभी ये ठीक होगा। तो ये बात बहुत जल्दी उन्हें पता लग गई, इसलिए उन्हें पता है कि कोई बना भी लेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं इसको, ठीक है। तो इसलिए बेटा यहाँ भी ना आप देखो कोई दवाई नहीं है कोल्ड की, सब कहेंगे तो चिंता मत कर, तू मेट्रो में जा जाके खा सा और हो जाएगा और तू ठीक हो जाएगा। यस, तो ऐसी बीमारियां जो बहुत जल्दी फैलती है, जैसे कोविड आया था अभी, घर में बिठा दिया था हमको, ठीक है। तो ऐसी बीमारियों को हम कॉम्युनिकेबल बीमारियां कहते हैं, स्प्रेड वेरी रैपिडली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। वहीं पर अगर नॉन कॉम्युनिकेबल की बात करें तो ऐसी बीमारियां देने की इच्छा है पर उसकी लेने की इच्छा नहीं है, है ना बच्चों? यस, डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हाल ही में कोविड छाया हुआ है, ठीक है, आजकल इसका बोलबाला है, कोल्ड छाया हुआ है, एड्स हो गया, ये भी कॉम्युनिकेबल है, ठीक है। नॉन कॉम्युनिकेबल की बात करें तो जितने हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि मान लो डाउन सिंड्रोम, आप डाउन सिंड्रोम किसी को दे नहीं सकते, है ना बच्चों? डायबिटीज हो गई, अब जिसको डायबिटीज है सिर्फ उसको मीठा कम खाना है, अब सामने वाला सामने बैठ के रसगुल्ला खाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैंसर, कैंसर जिसको है उसी को ही रहेगा। डाउन सिंड्रोम, जितने भी हमारे इनबॉर्न एरर्स हैं, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, गैलेक्टोसेमिया हो गया, ये सारे डिसऑर्डर्स क्या है, नॉन कॉम्युनिकेबल है, किसी को स्प्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहले आज की क्लास में हम डिजीजेस में करेंगे वो हम करेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। क्या है बच्चों? वो है हमारी बैक्टीरियल डिजीजेस, यानी ऐसी बीमारियां जो किससे फैल रही है, बैक्टीरिया से। यहां से नीट में क्वेश्चन आता है, अब इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, कैसे करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ट्रिक दिख रही होगी जो बच्चे ने ऊपर लिखी हुई है, कैट्स, कैट्स यू नो बिल्लियां, कैट्स बनाती है पीटीटी, पीपीटी होता है प्रेजेंटेशन बट हम पीटीटी लिखेंगे, ठीक है। और पीटीटी बनाने के बाद होता है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन में डिसाइड किया जाता है, देख भाई सबके कलेक्टिव एफर्ट्स है तो सब पैसे लेंगे, ले लो भाई पैसे सब। तो कैट्स ने बनाई एक प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हुआ और उस ग्रुप डिस्कशन में ये डिसाइड हुआ कि ले लो भाई पैसे सब, ठीक है। तो ये अगर ट्रिक हमें याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगी, जिसमें सी स्टैंड फॉर कॉलेरा, ए स्टैंड फॉर एंथ्रेक्स। मैम के साथ बोलो यार, मैम के साथ बोलो, क्लास में याद करके जाना है ये सब, मैम के साथ बोलो। टी से हो गया टेटनस, एस से हो गया सिफिलिस, पी से हो गया निमोनिया, अदर टी से हो गया टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, गोनोरिया, ठीक है, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, ब्यूबोनिक प्लेग, ठीक है, बॉटुलिज्म, पर्ट्यूसिस, स्कारलेट फीवर। इसके अलावा कोई भी बीमारी बाहर से नहीं आएगी, ये एंड ऑफ बीमारी है, ठीक है, इससे ज्यादा बीमारी बाहर से नहीं आएगी। चलिए आप देखते हैं, पहली बीमारी हमारी कॉलेरा है, कॉलेरा का कॉजेटिव एजेंट कौन है, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में, चलिए 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 जल्दी बताइए, रुकिए मत रुकिए मत, अगर आज रुक गए तो चैप्टर रुक जाएगा बाबू। यस, तो यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट इसका कौन है, विब्रियो कॉलेरा। अब ये जो बीमारी है कॉलेरा, ये फैलते है कंटेमिनेटेड पानी से, यानी कि गंदे पानी से फैलते है, कौन सी हमारी बीमारी, विब्रियो कॉलेरा की कॉलेरा, ठीक है। इसमें जो पॉटी होती है वो झरझरी आने लगती है, झरझरी पॉटी, ठीक है, पतली पॉटी आएगी। पतली पॉटी का मतलब है कि वाटर जो है बहुत ज्यादा पानी निकलना शुरू हो जाएगा बॉडी से, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, फिर मम्मी आपको बना के देगी छाछ या मम्मी बना के देगी तुम्हें इलेक्ट्रोल पाउडर, अगर आप छोटी उम्र के तो मम्मी आपको बना के देगी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है। फिर आते हैं दूसरी बीमारी एंथ्रेक्स, कौन सी है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का कॉजिटिव एजेंट क्या है गाइस, कौन सा है कॉजिटिव एजेंट, एंथ्रेक्स का कॉजिटिव एजेंट है बैसिलस एंथ्रासिस, कौन सा है, बैसिलस एंथ्रासिस। ये एक तरह का एयर बॉर्न डिसऑर्डर है, हवा से फैलता है, इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, सांस में तेरे सांस जो मिली तो मुझे सांस आई, ठीक है, तो इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगती है, ठीक है, ये बायो वेपन की तरह भी यूज होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, टाइफॉइड। टाइफॉइड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, क्योंकि इसका कॉजिटिव एजेंट कौन है, सैल्मोनेला टाइफी, कौन है इसका कॉजिटिव एजेंट गाइस, सैल्मोनेला टाइफी। ये एक तरह का वाटर बॉर्न डिजीज है, यानी कि कंटेमिनेटेड वाटर से फैलता है, तो स्वच्छ पानी पीना आपका अधिकार है बच्चों, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमेशा हाई फीवर, बिल्कुल तपने लगेगा शरीर, तपने लगेगा शरीर, ठीक है, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, इंटेस्टिनल परफोरेशन, यानी कि आपकी इंटेस्टाइन छेदीली हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, ये प्रेम रोग नहीं है,
ये टाइफॉइड है, ठीक है। और इसे फैलाने वाली जो सबसे मशहूर आंटी थी जो पॉटी करके हाथ नहीं धोती थी, वो थी मैरी मेलोन, ठीक है। और इसको टेस्ट करने के लिए जो हम एक टेस्ट यूज करते थे कि भाई इस बंदे को टाइफॉइड हुआ है नहीं हुआ है, वो टेस्ट कौन सा हमारा विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बच्चों? वो टेस्ट है हमारा विडाल टेस्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डिजीज। नेक्स्ट डिजीज इज सिफिलीज, ठीक है। सिफिलीज नीट का PYQ क्वेश्चन, कौन सा है इसका पॉजिटिव एजेंट? चैट बॉक्स में 2 साल पुराना PYQ क्वेश्चन है। सिफिलीज का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है ट्रेपोनीमा पैलिडम। कौन है ट्रेपोनीमा पैलिडम? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन है, STI है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है, बच्चा नहीं हो पाता आगे जाके, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट निमोनिया। निमोनिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो एक नहीं बल्कि दो हैं। पहला कौन सा है मेरे बच्चों? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। दूसरा कौन सा है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये हवा से फैलने वाली बीमारी है, और जब निमोनिया अंदर आ जाता है ना तो फ्लूइड फिल्ड एल्वोलाई हो जाती है, ऐसे कहते हैं ना, भर गया मेरा दिल, मेरे फेफड़े भर गए हैं। किससे? फ्लूइड से। ये फ्लूइड कौन सिक्रीट कर रहा है? बैक्टीरिया सिक्रीट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम हो जाएगा, शरीर नीला पड़ने लगेगा, नखून नीले पड़ने लगेंगे मेरे बच्चों, ठीक है, आंखें नीली पड़ने पड़ लगेगी, बिल्कुल ऐसा सब फील आने लगेगा निमोनिया में, ठीक है। फिर आते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट फॉर्म में TB कहते हैं, आपने जरूर एड सुनी होगी, ठीक है। बच्चन साहब कहते हैं अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो आप TB का टेस्ट कराएं क्योंकि ये खांसी है हानिकारक, ठीक है। आपने अगर ऐड सुनी हो तो पता नहीं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सिंस खांसी से हो रहा है तो एयरबॉर्न इन्फेक्शन होगा। कैसा होगा? एयरबॉर्न इन्फेक्शन। इसमें जॉइंट पेन रहेगा, चेस्ट पेन रहेगा, सांस लेने में दिक्कत रहेगी, बहुत सारी चीजें, और मलगम यहाँ पे जमा रहेगा हमेशा। फिर आते हैं टेटनस। टेटनस आप सुना होगा बचपन से, टीका लगा ले, अच्छा बेटा चोट लगी है, खून भी निकला, जा टीका लगवाया। अब ये जो टेटनस है कौन करता है? क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी। कौन करता है बच्चों? दिस इज कॉज बाय क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, ठीक है। और ये कैसे होता है? अगर जंग लगे चक्कू से आपने उंगली काट ली तो, ठीक है, उस केस में हो जाएगा, क्या हो सकता है। अब इसमें क्या है, लॉक जॉ। अगर मान लीजिए कि किसी को टेटनस हो गया तो उसका जबड़ा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लॉक जॉ, एक ही डायरेक्शन में मूव्ड हो जाएगा, क्योंकि ना मसल्स काम नहीं करेगी, वो क्या हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में ऐसे होके रह जाएगी। यस, तो यहाँ पे क्या, जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया है ना, वो क्या करते हैं, स्पैज्म, अकड़न आ जाती है, मुंह की अकड़न, आप समझो मुंह की अकड़न ऐसा हो जाता है इस केस में, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट गोनोरिया। अगेन 2 साल पुराना नीट का क्वेश्चन। गोनोरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है? निजेरिया गोनोरिया। सब मैम के साथ बोलेंगे कौन सा है वो? निजेरिया गोनोरिया, ठीक है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ठीक है। सिम्टम्स इसके क्या है? इट इन्फेक्ट जेनाइटल ऑर्गन्स, खुजली हुई, पानी, ये सब आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यस, फिर आते हैं नेक्स्ट डिप्थीरिया। नेक्स्ट कौन सा बच्चों? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया करता है। कौन करता है ये? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। एयरबॉर्न इन्फेक्शन का भी आपने सुना है, काली बिल्ली रास्ता काटे तो जाना नहीं चाहिए। काली इज जस्ट टू रेसिस्ट, ठीक है। अगर बिल्ली रास्ता काटे तो गुजरना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्ली के बाल में होता है ये बैक्टीरिया। और अगर बिल्ली ने रास्ता काटा और आप मान लीजिए ऐसे सांसें ले रहे हैं तो आपकी चले जाएगा अंदर, और यहाँ पे कहते हैं पूरा हॉर्सनेस, पूरे ऐसे गला पक जाएगा, तो अब आपकी आवाज कैसे हो जाएगी? हॉर्स वॉइस, ठीक है। यस, ऐसे इस तरीके से काफी ऐसी आवाज हो जाएगी आपकी, ठीक है, हॉर्स वॉइस, ठीक है, लीड्स टू हॉर्स वॉइस, स्वेलिंग इन थ्रोट। फिर आते हैं नेक्स्ट लेप्रोसी। लेप्रोसी NCERT लिखती है, कुष्ठ रोग, ठीक है। अगर आप ये NCERT अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां पे लेप्रोसी के लिए कुष्ठ रोग लिखा हुआ है। ये कौन कॉज करता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये छुआछूत की बीमारी होती है, क्योंकि पूरी स्किन से एक फ्लूइड निकल रहा होता है, व्हाइट पैचेस बनते हैं, उसमें से फ्लूइड निकलता है, अगर आप उसे छू रहे हैं तो यानी कि बैक्टीरिया आपके बॉडी में भी आ सकता है, इसलिए इसे छुआछूत की बीमारी भी कहते हैं। बहुत जल्दी इन्फेक्शन इसका फैलता है। फिर आते हैं बुबोनिक प्लेग, ठीक है। ये हमारे इंडिया की बीमारी नहीं है, ये इंग्लैंड की बीमारी थी, ठीक है। यस, इसको फैलाने वाला जो पॉजिटिव एजेंट है, जो बैक्टीरिया, उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। देख रहे हो ना कितना अंग्रेजी नाम है, यर्सीनिया, है ना। हमारे यहाँ पे क्या होता है? राजूश, ठीक है, रमेशूज, यस, ऐसे नाम होते हैं। देखो यर्सीनिया लग रहा है कि, है ना, फॉरन का नाम है, यर्सीनिया पेस्टिस।
और इसको फैलाने के लिए एक हमें मच्छर की जरूरत पड़ती है। उस मच्छर का नाम है रैट फ्ली, जिसका साइंटिफिक नेम है जिनोप्सिला। देखो ये भी कितना अंग्रेजी, ऐसा लग रहा है कि क्लियोपात्रा, जिनोप्सिला, है ना, कितना ऐसा अंग्रेजी नाम लग रहा है। अब इसमें होता क्या है, ब्लैक डेथ। अब देखो हम इनके क्या होते हैं, बॉडी पे ऐसे काले काले धब्बे आने लग जाते हैं इसके कारण, और पूरी काली हो जाती है स्किन, और फिर ठीक है, बस इसीलिए इसे ब्लैक डेथ बोलते हैं। चूहे से फैलता है बेसिकली बीमारी ना, चूहे से। अब आते हैं बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म का पॉजिटिव एजेंट कौन है बच्चों, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम। कौन है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम। ये पानी से फैलता है, ये हमारे न्यूरल सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है। फिर आते हैं पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस क्या है अभी बताती हूँ, बट पर्ट्यूसिस का पॉजिटिव एजेंट कौन है, बॉडी टेलर पर्ट्यूसिस। कौन है बच्चों, बॉडी टेलर पर्ट्यूसिस। ये एक एयरबोर्न इन्फेक्शन है, इसे वूफिंग कफ कहते हैं। क्या कहते हैं, वूफिंग कफ, यानी कि इसमें बंदा ठीक है ऐसे खोखली आवाज आएगी। अब देखो कुछ लोग खांसी करते हैं, ऐसे लगता है कि अंदर से खोखली आवाज आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वूफिंग कफ। तो ऐसे आवाज, पूरी खं खं खानी की आवाज आती है, वूफिंग कफ, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर इज कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स। एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, बहुत हाई फीवर रहता है, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी बीमारियां अभी हमने की है, ये सारी बीमारियां कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीजेस। अब हम आएंगे वायरल डिजीजेस पे। सो द सेकेंड टॉपिक इज वायरल डिजीजेस। इसकी ट्रिक टू रिमेंबर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रिक टू रिमेंबर, हार्पिक MMSCD। हार्पिक यूज करते हुए हमने बना लिया MMS, और अब CD बना के उसको बेचेंगे, ठीक है। दो नोबडी वॉन्ट टू सी कि हार्पिक यूज कैसे किया जाता है, बट स्टिल आजकल रील्स कैसी भी चलती है आप देखते नहीं हो, यस माई कुत्ता इज बीमार, 5 मिलियन व्यूज। तो इसलिए हार्पिक MMSCD भी चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हार्पिक MMSCD को अगर डिकोड करें तो क्या बनता है, एच से बनता है हेपेटाइटिस, ए से बनता है एड्स, आर से बनता है रेबीज, ठीक है, हार्पिक। एक आर से बनता है राइनाइटिस, यानी कि कोल्ड, ठीक है। पी से बनेगा पोलियोमाइलाइटिस, आई से बनेगा इन्फ्लुएंजा, सी से बनेगा चिकन पॉक्स, एम से बनेगा मीजल्स, मम्स, स्मॉल पॉक्स, चिकनगुनिया, डेंगी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं, सबसे पहले आते हैं डिजीजेस, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक तरीके का नहीं है, बल्कि कितने तरीके का जल्दी बता दो चैट बॉक्स में। ये 5 तरीके का होता है, ABCDE। इसमें सबसे नालायक बी वाला होता है, क्योंकि बी वाला कैंसर करता है, ठीक है। सबसे नालायक, अगर नीट में पूछ लेगे भाई सबसे नालायक बताए कौन है, अपना नाम नहीं लिखना, हेपेटाइटिस बी लिखना है, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस ए है उसको फिर भी हम सही कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके फैलने के तरीके क्या होते हैं, ब्लड कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, कंटेमिनेटेड फूड से फैल सकता है। और इसके जो सिम्टम्स होंगे, जो लक्षण होंगे, उसमें फीवर, देखो हर बीमारी का एक लक्षण है फीवर, ठीक है। एक है एनोरेक्सिया, भूख लगे ना मुझे प्यास लगे, हाय मुझको बताओ क्या हुआ, मुझे तो प्रेम रोग हो गया, ठीक है, ऐसे बिल्कुल। तो एनोरेक्सिया, भूख प्यास मिट जाती है, ठीक है। लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, पहले लिवर सड़ना शुरू होगा, उसके बाद कैंसर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं एड्स। एड्स तो अभी हमें डिटेल में पढ़ना है, ये तो पूरा फुल फ्लेज्ड टॉपिक है। एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है, HIV। HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इसके फैलने के तरीके क्या होते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम मदर टू फीटस, इन्फेक्टेड नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अगर इम्यूनिटी कहते हैं ना, अभी आप वनरेबल हो, ठीक है, आपको पता है कि आप सेकंड ड्रॉप में हो, और किसी की भी कही हुई ये बात कि तेरे से नहीं हो पाएगा, दिल को छू जाती है, बहुत ज्यादा हम ओवर थिंक करने लगते हैं, क्योंकि आप वनरेबल है। ऐसे एड्स में होता है, आपकी इम्यूनिटी कम होती है, छोटी बीमारी भी बड़ी लगती है, क्योंकि बॉडी लड़ नहीं पाती है। इसलिए बच्चों बहुत सी चीजें होंगी लाइफ में, बट अपने दिल को बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जहां आप कमजोर हुए, दूसरों की बातें आपको बहुत हर्ट करने लगेगी जिंदगी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं रेबीज। रेबीज का पॉजिटिव एजेंट होता है रेबडो वायरस। कौन होता है, रेबडो वायरस। कोई भी पागल कुत्ता अगर आपको काट ले तो उस केस में रेबीज हो जाता है, और बिल्कुल कुत्तों जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि हाइड्रोफोबिया, आपको भी पानी से डर लगने लगेगा, आपकी भी लार टपकने लगेगी हर चीज को देख के, और इसका इन्फेक्शन सीधा स्पाइनल कॉर्ड पे जाके फिर अटैक करेगा, ठीक है। फिर आते हैं राइनाइटिस, यानी कि कॉमन कोल्ड।
राइनो वायरस जो करता है, ठीक है, ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है क्योंकि कोल्ड आपको पता है हवा से फैल रहा है, ठीक है। फिर आते हैं पोलियोमाइलाइटिस, जिसे हम पोलियो कहते हैं, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट है इसका पोलियो वायरस, इट इज अ वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, ये कंटेमिनेटेड पानी से होता है। ये जो वायरस है पहले अपने एलिमेंट्री केनाल में जाएगा, एलिमेंट्री केनाल से फिर ये अपने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में जाएगा और फिर किसी ना किसी अंग को अपाहिज कर देता है, इसलिए इसे इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। अब जो हमारा देश है वो पोलियो फ्री नेशन है क्योंकि 3 साल से एक भी केस नहीं आया है, ऑन पेपर आया है मुझे नहीं पता, बट ऑन पेपर एक भी नहीं आया, इसलिए भी पोलियो फ्री नेशन अगर नीट में क्वेश्चन आए तो, ठीक है। अब आते हैं डिजीजेस, डिजीजेस की बात करें तो यहाँ पे हमारा इन्फ्लुएंजा, बड़ा कोल्ड, ठीक है, इसे वायरल फीवर कहते हैं अक्सर हम। अच्छा क्या हुआ है, वायरल हुआ है, जीजी आओ ना घर पे, हाँ वायरल हुआ है। तो ये जो वायरल है जो जीजी को हम देने वाले हैं वो क्या है, मिक्सो वायरस कॉज करता है, ठीक है। एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, हेडेक रहेगा, फीवर रहेगा, रनिंग नोज रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन तो हमारा वैसे भी नहीं करता, ठीक है, थकावट रहेगी, वीकनेस रहेगी, ये सब रहेगा, ठीक है बच्चों। यस एक सेकेंड, आज तान्या सटकेल हो गई है, इसको सही कर दूं पहले, चलो अब आते आगे। फिर आते हैं चिकन पॉक्स, इसे देसी भाषा में अगर मैं बात करूं जो हमारे घर की भाषा होती है उसमें से कहते हैं माता आ गई, ठीक है। यस चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का जो कॉजिटिव एजेंट है वो है वेरिसेला जोस्टर, कौन सा है, वेरिसेला जोस्टर। एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, टच से भी होता है, क्या होता है, बॉडी में स्कैब्स आते हैं, इनके क्या होते हैं, दाना आएगा, दाने के ऊपर एक हल्की सी परत बनेगी, अगर वो परत आपने सूंघ ली हो गया, अगर माता आ गई तो फिर सब में आके जाएगी, ठीक है। अगर आपको एक बार आएगी तो दूसरी बार भी मैंने देखा है कि लोगों को आ जाती है, तो इस केस में आपको कुछ दिनों के लिए अपने घर से रवाना हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं मीजल्स, ये भी अंग्रेज माता है, ठीक है। जो चिकन पॉक्स है वो इंडिया में बहुत पॉपुलर है बट बाहर के देशों में भी आती है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव एजेंट है वो है रूबियोला, एयरबॉर्न है, इसके पे स्कैब्स जो होते हैं जो पूरी माता आती है वो फेस और नेक पे आते हैं, फेस और नेक पे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट मम्स, मम्स इज अ डिसऑर्डर व्हिच इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस, कौन कॉज करता है इसे, पैरामिक्सो वायरस। ये एक तरह का वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है, इसके अंदर पैरोटिड ग्लैंड फूल जाता है, इतना ज्यादा पैरोटिड ग्लैंड फूल जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खाना निकलने में दिक्कत होती है, ठीक है। फिर आते हैं स्मॉल पॉक्स, इट इज कंप्लीटली इराडिकेटेड फ्रॉम द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कोई भी केस नहीं है स्मॉल पॉक्स का, बिकॉज वी हैड वैक्सीनेशन और हमने इसको पूरे तरीके से हटा दिया है, ठीक है। वेरियोला इसका पॉजिटिव एजेंट है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है और स्कैब्स जो हैं पूरे शरीर पे आते हैं और निशान भी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम पोक मार्क्स कहते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट चिकनगुनिया, ये कितना पॉपुलर है आपको पता है, दिल्ली वालों को तो पता होगा, दिल्ली वाले एक बार सलामी ठोक दे चैट बॉक्स में, दिल्ली वालों को चिकनगुनिया और डेंगू से बड़ा प्यार है, ठीक है। चिकनगुनिया वायरस करता है, इसको फैलाने वाली जो मादा मच्छर है उसका नाम है फीमेल एडीज इजिप्टाई, ठीक है। एक्यूट जॉइंट पेन, इतना खतरनाक 3 महीने के लिए जॉइंट पेन रहेगा कि भाई सोच भी नहीं पाओगे आप, ठीक है। वहीं पे अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है फ्लेबी आर्वो वायरस, ठीक है, फ्लेबी आर्वो वायरस, इसको भी फैलाने वाली सेम मादा मच्छर है, ठीक है, यानी एडीज इजिप्टाई, ठीक है। तो यहाँ पे एडीज ने अपने आप को बहुत इवॉल्व कर लिया है कि भाई तू नहीं मिलेगा तो उसको मैं पाल लूंगी, ठीक है, वो काफी इवॉल्व हो गई है। अब जब इसका इन्फेक्शन होता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाती है, पूरे स्किन पे चितकबरे निशान आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, चितकबरे निशान, चितकबरे, कहीं कहीं रैशेस जैसे दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। डिलेड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, तो ये सारे सिम्टम्स है डेंगू के। अगर प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाए तो ऐसे बंदे को अस्पताल लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। चलिए समझ में आया बच्चों यहां तक सबको, एक बार जल्दी से मुझे सब चैट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब आ रही तीसरी बीमारी, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज ऐसी बीमारी है जो मॉइस्चर से बहुत ज्यादा फैलती है, जहां मॉइस्चर होगा वहां फंगस होगी, जितना ड्राई एरिया होगा उतना मॉइस्चर कम होगा, मॉइस्चर कम होना मतलब फंगस कम होना। अच्छा एक बात बताओ, गर्मियों में तुम्हारे सर पे खुजली होती है, चलो बाकी सब छोड़ो, तुम रियल एक्सपीरियंसेस बताओ मुझे, रियल एक्सपीरियंसेस। यस अगर तुम देखोगे तो गर्मियों में अक्सर लड़के जो है ना ऐसे खुजलाते रहते हैं, ऐसे
ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर आता है, पसीना निकलता है, मॉइस्चर होता है, उसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए सर डेली धोना चाहिए गर्मियों के दिनों में, ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, तो यहाँ फंगल डिजीज की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, दाद, वो एड देखिए तुमने दाद की, ये दाद लाल रंग का होता है, ये दाद सूखा होता है, ये दाद में निशान होते हैं और इस दाद में बहुत ज्यादा खुजली होती है। अगर ये चार चीजें आपको अपनी स्किन पे कहीं पे भी दिख रही है तो आप समझ जाना आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। क्या हुआ है आपको बच्चों? फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ये याद रखना इस बात को, ठीक है। अब ये जो फंगल इन्फेक्शन है कौन कर रहा है? इसके पीछे है माइक्रोस्पोरम, इसके पीछे है एपिडर्मोफाइटन, इसके पीछे है ट्राइकोफाइटन। ये तीनों तरह की फंगस है जो कि दाद बनाती है और इस दाद को हटाने के लिए हम लगाते हैं रिंग गार्ड। क्या लगाते हैं बच्चों? रिंग गार्ड। वो तुमने ऐड देखी इसकी बंदर वाली? हाँ, तो रिंग गार्ड लगाने से बंदर की ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ऐड, बड़े बड़े ऐड बनाते हैं। अब आखिर ये होता क्यों है? एमओटी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आखिर फंगल इन्फेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने दोस्त की शर्ट बिना धोए पहन ली, यूज्ड क्लोथ, और उसको क्या था, फंगल इन्फेक्शन था। वही फंगल इन्फेक्शन तुम्हारी स्किन पे लग जाएगा तो तुम्हें भी हो जाएगा। यूटेंसिल्स, तुमने झूठे बर्तन ले लिए, ठीक है, तुमने यूज्ड कॉम यूज कर लिया, मतलब कि मानो मुझे डैंड्रफ है, मैंने ऐसे कंघा किया और तुमने कहा ला भाई दियो तेरा कंघा अच्छा है, तुझे भी हो जाएगा, ठीक है। कॉम्ब हो गया, शूज, ठीक है, शूज, अगर आपने दूसरे के शूज लिए तो खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसी तीन तरह की और हमारे पास फंगस है, टीनिया बार्बी, ये जो लड़के होते हैं ना इनकी ऐसे दाढ़ी में ये ना स्टाइल ही बना रहे होते हैं, ये खुजली कर रहे होते हैं ऐसे, यस, ये खुजली करते हैं। ये खुजली क्यों हो रही है इनको? टीनिया बार्बी के कारण, फंगस है दाढ़ी में इनकी, ठीक है। टीनिया पेडिस, यानी कि टोज के बीच में, दो उंगलियों के बीच में खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है गर्मियों में, ठीक है। क्रूज, ग्रोइन एरिया, गुप्तांग, ठीक है, इसे ऐसे बोल रहे थे, गुप्तांग में खुजली होती है। आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा, स्टाइल नहीं मार रहे होते, खुजली कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज का मतलब है वर्म्स, यानी ऐसी बीमारी है जहां पे कृमि आएंगे। कृमि समझते हो? कृमि माने वर्म्स। बहुत अंग्रेज हो रहे हो जो तुम्हें कृमि नहीं पता आनी। तो अब आते हैं एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस नाम से पता लग रहा है इसका कॉजिटिव एजेंट कौन होगा? एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, जो कि आजकल मिंथिस है, जिसका कॉमन नेम राउंड वर्म है, ठीक है बच्चों। ये एक तरह का एंडो पैरासाइट है, यानी कि पैरासाइट है जो शरीर के अंदर रहना पसंद करता है, और शरीर के अंदर भी कहाँ रहना पसंद करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहना पसंद करता है। कहाँ पे रहना पसंद करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर इसके लक्षण की बात करें तो यहाँ पे कब्ज हो जाएगी, बुलाओगे पर आएगी नहीं, क्या पॉटी, एनेमिक हो जाओगे, यानी कि जो असली लालिमा है वो गायब हो जाएगी, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग, अब खून अंदर से बहेगा मेरे बच्चों, हमेशा पेट में ऐसे क्रैम्स होते रहेंगे, आपको कमजोरी महसूस होगी। अगर ये सारे सिम्टम्स है तो मतलब कि आपके पेट में कीड़े हैं, पक्की बात, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? आपने ऐसी जगह के मोमोज खा लिए जहां पे इसके अंडे थे, ठीक है। अभी मोमोज के अंदर अंडे, अंडा सीधा तुम्हारे पेट के अंदर, बस काम होना शुरू, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट फिलेरियासिस, जिसे हम हाथी पाव कहते हैं, जिसे हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो दो है, एक है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, दूसरा है वुचेरिया मलई, दोनों के दोनों एस्कल्मिंथिस है, ठीक है। ये भी एंडोपैरासाइट है, यानी इसे भी हमारे शरीर के अंदर रहना पसंद है, और शरीर के अंदर जहां ये रहता है वो है हमारा लिम्फैटिक सिस्टम। कहाँ पे रहता है बच्चों? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कहाँ पे रहता है ये? लिम्फैटिक सिस्टम में रहता है। कहाँ रहता है? लिम्फैटिक सिस्टम में। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो जितने भी हमारे लिम्फ वेसल्स है वो स्वॉलन कर जाएंगे, मतलब कि फूल जाएंगे, ठीक है। टेस्टिस भाई बलि चढ़ जाएगी, ठीक है। स्वॉलन लिम्स, एक पैर के अंदर सारे मरे हुए लिम्स वर्म्स चले जाएंगे तो वो पैर मोटा होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? मोटा। इसलिए हाथी पाओ ऐसे, तुम तो देखा नहीं है, आई हैव सीन इट इन BHU, ठीक है। MOT इसको कौन फिलाता है? इसको फिलाती है फिर से मादा मच्छर। मादा मच्छर का यहाँ पे नाम है क्यूलेक्स फ्लाई। तो ये जो मादा मच्छर है इसे फिलाने का काम भगवान ने सौंपा है, आपको इस मच्छर से दूर रहना है हमेशा, इसलिए ऑल आउट लगाइए। तीसरा है टीनियासिस। नाम से कुछ पता लग रहा है? टीनियासिस कौन फिलाएगा? एनीवन? नाम से कुछ पता लग रहा हो? टीनियासिस, टीनियासिस फिलाने वाला कौन है? टीनिया सोलियम।
टीनिया सोलियम एक तरह का चिपटा कृमि है, मतलब ये फ्लैट वर्म है, ठीक है, जो कि प्लाटी हेलमिंथिस को बिलोंग करता है। ये भी हमारे शरीर के अंदर रहना पसंद करता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिंस ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है तो कब्ज ये भी देगा, दर्द ये भी देगा। और इसको फैलाते कैसे है? जब इंसान अनकुक्ड पॉर्क खाता है, यानी कि आप कच्चा सुअर खा रहे हैं तो टीनिया हो सकता है। तो अगर आप सुअर खा रहे हैं, जैसे कि हैम हो गया, बेकन हो गया, अलग अलग हिस्से होते हैं इनके, ठीक है, तो उसको क्या होता है ना, सैंडविच वैंडविच बनाते हैं अंग्रेज लोग, ठीक है। तो हमारे यहाँ सैंडविच में क्या होता है, मम्मी कहती है बेटा सैंडविच बना दो। अच्छा मम्मी आलू उबाल दे, आलू पनीर वाले खाओगे मम्मी, या वो बटर लगा के जिसमें प्याज टमाटर खीरा और शायद पनीर लगा दे, हाँ भुजिया भी लगा देंगे, अगर हम कोटा से हैं तो भुजिया भी लगा देंगे। यस, हमारे यहाँ कैसे, इनके यहाँ पे बेटा अलग होते हैं, चीज लगेगी, मेल्टेड चीज, है ना, फिर ये लगेगा, हैम लगेगा, फिर दो चार सॉस लगेगी। यस, और हमारे कितने देसी है ना, भुजिया लगा के खा लेते हैं। यस, चीनी वाले, मलाई और चीनी वाले, वो तो मैं कम से कम 2 साल अपने स्कूल में लेकर गई होंगी लंच में, मलाई चीनी वाले, मन नहीं हुआ मलाई चीनी वाले सैंडविच देते, हाँ दे दो, कोई और खा लेगा मैं उसका खा लूंगी। यस, मलाई चीनी वाले सैंडविच के बिना स्कूल लाइफ इज वेरी अधूरी, आई नो दैट। एवरी एवरी होम हैज इस मलाई चीनी का सैंडविच, एवरी होम, एवरी स्टूडेंट वंस इन देयर लाइफ टाइम हैज टेकन मलाई चीनी का सैंडविच। चलो आ जाओ, मस्त लगता है। और वो सूखी मैगी बच्चों, वो सूखी मैगी जो मम्मी से कहते हैं मम्मी मैगी बना दो, और वो जो सूखी हो जाती है ना, उसे ऐसे खाने में कितना मजा आता है, सूखी सूखी मैगी। आई नो स्कूल लाइफ इज स्कूल लाइफ। चलो आज प्रोटोजोअन डिजीज की बात करते हैं। प्रोटोजोअन डिजीज वो डिजीज है जो प्रोटोजोआ फैला रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें दो पढ़नी है, एक हमें एमीबियासिस पढ़ना और दूसरा हमें मलेरिया पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस में दी हुई है, ठीक है। यस, डिजीज पहली कौन सी हम पढ़ेंगे, एमीबियासिस। एमीबियासिस का दूसरा नाम क्या दिया एनसीईआरटी ने, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। इसका दूसरा नाम है डिजेंट्री। क्या नाम है इसका, डिजेंट्री। और इसको फैलाने वाले का नाम क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। फैलाने वाले का नाम क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। और इसका जो कैरियर है वो कौन है, हाउस फ्लाई। कैरियर कौन है इसकी, हाउस फ्लाई, ठीक है। क्योंकि जो ये हाउस फ्लाई होती है ना, इसका काम पता क्या होता है, मिक्सिंग करना, ये हर जगह जाती है, थूकती है, ठीक है। उसके बाद जो भी मिला, पॉटी मिली कुछ भी मिला, उसे मिक्स किया और उसी हाथों के साथ अब लड्डू पे आ गए। यस, तो बेसिकली इसके अंदर लाइफ साइकिल नहीं चल रही है, इसका काम है बस फैलाना, हर जगह जा जाके ऐसे ऐसे करना, ठीक है। यस, फिर आते हैं नेक्स्ट, स्लीपिंग सिकनेस। आपने शायद ये नीट में देखा होगा, बट इस चैप्टर में नहीं है, बट मैंने बच्चों को एक जगह लिस्ट बनवा दी थी कि बच्चे कभी भी ये फील ना करे कि इनके नोट्स में ये चीज नहीं है, तो ये बेटा जरूर कर लेना, ठीक है। डिजीज इज स्लीपिंग सिकनेस। सफलाए, कैसे याद कराया मैम ने, ससफ्लाई, ठीक है। तो स्लीपिंग सिकनेस को फैलाने वाली मच्छर का नाम क्या है, ससफ्लाई, ठीक है। और ट्राइपैनोसोमा, सोना, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपैनोसोना, ठीक है, ससफ्लाई, ठीक है। अब तीसरी कौन सी हमारी, लेशमेनियासिस, जिसे हम हिंदी में काला अजर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, काला अजर बोलते हैं। लेशमेनिया डोनोवानी, ठीक है, कौन है, दोनों की वानी मिला के लेशमेनिया, ठीक है, लश्कारे मारती है इन दोनों की वानी पे, लेशमेनिया डोनोवानी। इसको फिलाने वाले कौन है, सैंड फ्लाई, कौन है बच्चों, फ्लियोबॉटमस इज द साइंटिफिक नेम, और ये है सैंड फ्लाई। अब आते तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मलेरिया। मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम। फैलाने वाले मच्छर का नाम क्या है बच्चों, यस, फीमेल एनोफिलीज। फैलाने वाले मच्छर का नाम क्या है, फीमेल एनोफिलीज। चलो आ जाओ इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैं थोड़ा पानी पीऊंगी। मैंने बच्चों से कहा था बेटा 1.25 घंटे में ना आज ह्यूमन हेल्थ खत्म कर देंगे, 20-20 मिनट में माइक्रोब्स और स्ट्रेटेजी खत्म कर देंगे। आई टेक माई वर्ड्स बैक, ठीक है। एमीबियासिस एंड डिजेंट्री, कॉजिटिव एजेंट तो ये सब तो पढ़ लिया मैं, कॉजिटिव एजेंट कौन है एमीबियासिस का, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो कि एंडोपैरासाइट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का, कहां का है, लार्ज इंटेस्टाइन का है एंडोपैरासाइट, ठीक है। अब इसकी अगर लाइफ साइकिल देखेंगे तो चलो आज वो लाइफ साइकिल क्या है, ये बहुत बड़ी लाइफ साइकिल है, ये सब आपने नहीं करना है, ठीक है, ये तो बस दबदबा बनाने के लिए। सिम्टम्स में बता देती हूँ जहां से नीट में क्वेश्चन आता है, पॉटी आएगी खून भरी,
पॉटी आएगी चिपचिपी, म्यूकस प्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, पेट में अल्सर हो जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में तो बहुत दर्द होगा, जलजला महसूस होगा, ठीक है, और वीकनेस रहेगी। इसके इलाज बेहद लंबा होता है, बेस्ट इसका इलाज कोई होता है तो वो होम्योपैथिक साइंसेज में है, ठीक है। फिर आते हैं मलेरिया। मलेरिया को फैलाने वाले चार ठो हैं, कौन है, चार, ठीक है। पहला है वाइवेक्स, फैल्सीपैरम, ओव्यूल, सॉरी ओवेल एंड मलेरिया, ये चार है। जिसमें सबसे खतरनाक कौन सा है मेरे बच्चों, सबसे खतरनाक कौन सा है, सबसे खतरनाक है इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, जिसके जो क्या करता है, हीमोलिसिस करता है। हीमोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी टूटेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन ब्लड में बहुत ज्यादा फैल जाएगा, और यही ब्लड जब फिल्टर होगा तो हीमोग्लोबिन यूरिन से बाहर आएगा। अब यहाँ पे कलर ऑफ यूरिन क्या हो जाएगा, ब्लैकिश कलर। आप सोच रहे हो, आप उठे पॉट से और आपने देखा काला है, सोच रहे हो, यूरिन ब्लैक हो जाता है, बहुत बहुत डेंजरस सिचुएशन है। एमओटी कौन फैलाता है इसे, फीमेल एनोफिलीज। प्रिवेंशन, अगर मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरा एरिया है वो रोग मुक्त हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक मछली को लाना होगा जो इसके लार्वा को खा जाएगी। वो मछली का नाम क्या है, गैम्बूशिया। क्या है मछली का नाम जो इसके लार्वे को खा जाएगी, ना रहेगा लार्वा ना बनेगा वो मादा मच्छर, ठीक है, खेल खत्म। तो गैम्बूशिया लाएंगे, जहां भी पानी होगा गैम्बूशिया को छोड़ देंगे, वो सारे लार्वा को खा जाएगी और हमारा एरिया कंप्लीटली फ्री ऑफ मच्छर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दीदी हैंड्स दे रही थी, जब दीदी के हैंड्स पे क्या हुआ, काट गया, कौन, फीमेल एनोफिलीज, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज ने दीदी के हाथ को काट लिया, दीदी से तभी मैं ग्लव्स पहनती हूँ, ठीक है, बाइट कर दिया। जब बाइट किया तो अंदर क्या इंजेक्ट किया, स्पोरोजॉइट, क्या इंजेक्ट किया बच्चों, स्पोरोजॉइट, क्या इंजेक्ट किया, स्पोरोजॉइट, ये याद रखना है। ये स्पोरोजॉइट सीधा लिवर में जाएंगे, लिवर में अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे और लिवर से सीधा पहुंच जाएंगे आरबीसी के अंदर, वहां पे हीमोग्लोबिन खाएंगे और फट जाएंगे, खा खा के फट जाएंगे, और जब फटेंगे ना तो हीमोजोइन निकलेगा और गेमिटोसाइट्स निकलेंगे। यही हीमोजोइन जब जब निकलेगा, यही हीमोजोइन जब जब निकलेगा, आपको आएंगे फीवर एंड चिल्स। क्या आएंगे बच्चों, फीवर एंड चिल्स, ठीक है, आपको पता लगेगा कि आप बीमार हैं, आप बहुत बीमार हैं, ठीक है, यस, हीमोजोइन, गेमिटोसाइट आ गए। अब आप कहेंगे मैम देखिए यहाँ पे महिला है, यहाँ पे पुरुष है, तो फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो रही, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही ह्यूमन के ब्लड में, क्योंकि ह्यूमन का ब्लड इज वार्म ब्लडेड, ज्यादा टेम्परेचर है, इनको मजा नहीं आ रहा, ठीक है, इसलिए वापिस से फीमेल एनोफिलीज में जाएंगे, वहां पे होगी आप फर्टिलाइजेशन उसके गट में, फिर गट में बनेंगे स्पोरोजॉइट, ये स्पोरोजॉइट वापिस जाएंगे उसके सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। तो इस तरीके से चलती है इसकी लाइफ साइकिल। अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये वो पॉइंट्स मैंने बच्चों को लिखवाए थे कि भाई अगर तुम्हारा मन ना भी हो ना पूरी लाइफ साइकिल पढ़ने का, तो ये जरूर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेंगे तुम्हारे, ठीक है, सारे बन जाएंगे। प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मैम ने क्या बताया था, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, यस मेरे बच्चों, गट ऑफ एनोफिलीज, इंफेक्शियस स्टेज, किस स्टेज में मादा मच्छर आती है हमारे शरीर में, स्पोरोजॉइट, ठीक है। साइट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन क्या है, ब्लड ऑफ ह्यूमन, हीमोजोइन इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फीवर एंड चिल्स। ये हो गई हमारी डिजीजेस कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज डन। समझ में आया, अच्छे से रिविजन हो रही है, थोड़ी चीजें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी बताई है, इसलिए बताई है क्योंकि दो दे आर आउट ऑफ एनसीईआरटी बट एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन नीट के पीवाईक्यूज, तो इसलिए हमें पीवाईक्यूज करने हैं, तो ये चीजें थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा रिवाइज करनी पड़ेगी। चलिए आगे चले, चलिए अब आगे चल रहे हैं, आगे हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी शरीर की वो ताकत है जो हर बुरी चीज को अंदर आने से रोकती है, ठीक है। क्या है बच्चों, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट इंफेक्शन, ठीक है। क्या है बच्चों, इट इज द एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट इंफेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी है, एक वो जो हम पैदा होकर लेकर आते हैं, एक वो जो हम जीवन के कार्यकाल में समझते हैं, ठीक है, और सीखते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी जो हम लेकर आए हैं, प्रेजेंट बाय बर्थ, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी विच वी अटेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ठीक है, सिंस बचकानी है तो नॉन स्पेसिफिक है,
अब तुम्हारे भेजे में समझ में आ चुका है, पहले साल में बच्चा पूरा मॉड्यूल पढ़ता है, दूसरे साल में भी पूरा मॉड्यूल पढ़ता है, ठीक है, तीसरे साल में उसे समझ में आ जाता है कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही भला होगा। यस, तो यहाँ पे जीवन सिखाता है कि आखिर क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक हो जाता है। पहला वाला बचकाना है फास्ट रिएक्शन, अच्छा ये टेस्ट है, चलो चलो पढ़ते हैं, ठीक है। बाद में स्लो रिएक्शन, अरे आता तो है, कौन सा नया सवाल देगा, ठीक है। इनेट में नॉन वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में होता है, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज वेरी स्पेसिफिक, व्हिच इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। सिर्फ किसके केस में प्रेजेंट होगा बेटा? वर्टिब्रेट्स के केस में, ठीक है। चलिए, एक बच्चा मेरे से इतनी देर से पूछ रहा है, मैम व्हाई आर यू नॉट टेलिंग मी अबाउट एडमिट कार्ड। रुक बेटा, मंत्रालय, यस, एजुकेशन मंत्रालय बात कर रहा है। आप, एक बच्ची मेरे से बार बार पूछी जा रही है, आप मुझे क्यों एडमिट कार्ड के बारे में बता? आप बता दीजिए। अच्छा, फोन रख दिया बेटा, फोन रख दिया, सॉरी, फोन रख दिया। तुमने क्या सोचा है, मैं वहां पे नौकरी करती हूँ क्या, जो मुझे पता होगा? कैसे सवाल है, वाहियात सवाल, पढ़ाई से रिलेटेड भी नहीं है ये सवाल, वाहियात सवाल था बिल्कुल। मुझे क्या पता, जब आएगा बता देंगे। पढ़ाई कर नहीं रहे, एडमिट कार्ड से जैसे नीट क्लियर हो गया, नीट का परचम लेकर आएंगे। एडमिट कार्ड नहीं, नीट का परचम है कि हाँ भाई रिजल्ट आ गया, AIR 1N की आ जाएगा भाई, जो आना है, फॉर्म भरा है ना तो आ जाएगा, काय को इतना टेंशन लेने का, पढ़ो चुपचाप से। इननेट इम्यूनिटी, तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और जो सबसे पहला बैरियर है वो है हमारा फिजिकल बैरियर, जिसमें हम सबको डायरेक्ट बोल देते हैं रुको, ठीक है। अभी रोकने के लिए हमारे पास क्या स्किन है, म्यूकस लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक है, ये सारी मेम्ब्रेन हो गई, स्किन हो गई, विच इज गोइंग टू स्टॉप द एंट्री ऑफ एनी पैथोजन इन टू द बॉडी, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिक्रीशन ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजिकल बैरियर विच मेक्स अ सिक्रीशन ऑफ बॉडी। सिक्रीशन ऑफ बॉडी में क्या है, चलिए, टीयर्स, आई हेट टीयर्स, पुष्पा पुष्पा आई हेट टीयर्स, ठीक है। लाइजोजाइम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, माउथ में, दे आर एंटीबैक्टीरियल, बताया था ना बायोमोलिक्यूल्स में, IgA एंटीबॉडी किस में होती है, सलाइवा में होती है, ठीक है, विच इज अगेन गोइंग टू किल व्हाट, पैथोजेंस। HCl, कहीं के भी मोमोज खा लो, हर बार तो बीमार नहीं पड़ते, क्यों? क्योंकि ये HCl स्टमक में होता है, इट किल जर्म्स, ठीक है। सलाइवा, लाइजोजाइम, IgA प्रेजेंट होता है। फीवर, फीवर जैसे आता है स्टॉप कर देता है एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सेलुलर बैरियर, दिस मेक्स आवर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेलुलर बैरियर। इसके अंदर हमारे पास WBCs आते हैं, कितना नंबर होता है WBCs का ब्लड में, एक बार जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में, यस, कितना होता है, 8 से 10 हजार WBC होता है हमारे ब्लड में, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, हमारा न्यूट्रोफिल्स। इन्हीं न्यूट्रोफिल्स को हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। न्यूट्रोफिल्स का क्या है दूसरा नाम, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। और दूसरे जो बड़का सेल है जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, उनका नाम है मैक्रोफेजेस, ठीक है। इसके अलावा भी एक सेल होता है, इसके अलावा भी एक सेल होता है मेरे बच्चों, वो सेल का नाम क्या होता है, नेचुरल किलर सेल। क्या नाम होता है, नेचुरल किलर सेल, आइडेंटिफाई वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। अब देखो होता है क्या बेटा, आप ही के बीच में एक स्पैमर है, उसको मुझे ढूंढना है, ठीक है, बट मुझे पता होना चाहिए कि नेहा मेरी है, ठीक है, ख्याति मेरी है, बट जो स्पैमर है वो मेरा नहीं है, आई नीड टू आइडेंटिफाई, क्योंकि क्या पता स्पैमर भी मेरा बच्चा हो, जैसे कि ये कॉमिक वाला है ना, दिल बना बना के भेज रहा है, आशिकी लड़ा रहा है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड द यूजर कर देंगे, गायब गायब कर दिए ना। यही काम नेचुरल किलर सेल करता है, हमारे बॉडी के सेल्स के बीच में ही एक सेल के पास वायरस है जो हमारे लिए खतरा बना हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको मारेगा, उसको गायब कर देगा, बस यही काम है नेचुरल किलर सेल का, बस हो गया गायब स्पैमर, यस। अब तीसरा हमारा साइटोकाइन बैरियर। अब साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, मान लीजिए कि एक सेल है हमारे बॉडी का, उस सेल में वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, किसका इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोन किसका इन्फेक्शन हुआ है, पहले तो मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में, वायरस का इन्फेक्शन हुआ है अपने की बॉडी के सेल में, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई टीचर मेरी बुराई कर रहा है, ठीक है, करते ही रहते हैं वैसे तो, बट मेरे जो प्यारे बच्चे हैं ना वो मुझे खबर ला के देते हैं,
मैम देखो ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये जो खबर है ना, ये खबरी लाल, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन बाकी के सेल्स को जाके बता देगा, अजी वो ऐसा हो रहा है वहां पे। ये सेल्स अब चौकन्ना हो जाएंगे, ये कहेंगे कि हम तो वायरस को हम ट्रांसलेशन ही नहीं करेंगे, कर ले जो करना है, हम काम ही नहीं करने देंगे। तो एक सेल, यहाँ पे कुछ हुआ जिससे केमिकल मैसेंजर निकला, वो केमिकल मैसेंजर का नाम क्या था बच्चों? इंटरफेरॉन। वो इंटरफेरॉन बाकी सेल्स को चौकन्ना करेगा कि भाई बच के रहने का, सही नहीं है वो सब, ठीक है। यस चलो अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पहले वाला इनेट इम्यूनिटी क्लियर है सबको? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। यस डिटेक्टिव मैम ये वायरस ठगी है। चलो आ जाओ बेटा, नेक्स्ट है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अडैप्टिव इम्यूनिटी। ये वो इम्यूनिटी है जो हम जीवन के कार्यकाल में हासिल करते हैं, ठीक है, विद कॉन्टिन्यूस इन्फेक्शन। जैसे कि जिनको कोविड हो चुका है, आज वो घर से कह सकते हैं मेरे पास इम्यूनिटी है कोविड की, तेरे पास नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। दिस फॉर्म्स अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सो बॉडी पहले फाइट करेगी फिजिकल बैरियर से, फिर बॉडी फाइट करेगी सेलुलर बैरियर से। जब इन दोनों से भी बात नहीं बनेगी तो बॉडी लगाएगी अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो उसका इक्का है, ठीक है। अब आते हैं क्या होता है इसमें, देखिए होता है क्या बेटा। मुझे पहला पहला प्यार है, ओ, 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 उसमें टाइम लगता है। पैथोजन एंटर्स इनटू द बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार पता लगा है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा क्या है ये, ठीक है। फीवर होगा, सिकनेस होगी, लक्षण आएंगे, क्या हो रहा है, दिमाग पढ़ाई में लग नहीं रहा, खैर तुम्हारा तो वैसे भी नहीं लगता गधो, ठीक है। अब क्या हुआ नेक्स्ट, सेम फिर गायब हो गया, बॉडी ने कहा नहीं दाल निकलेगी, वो हैंडसम है नहीं होगा, नहीं, चलो वापस। फिर क्या हुआ, बॉडी फिर से उसी को वापस देखती है, फिर बॉडी कहते नहीं ये तो वही प्यार है, ठीक है। तो ये वाला जो है फास्ट रिस्पॉन्स होगा, बॉडी जल्दी एक्ट करेगी इस केस में, क्योंकि उसने पहले वाले एनकाउंटर से क्या बनाए थे, मेमोरी सेल्स बनाए थे। यही मेमोरी सेल्स सेकेंडरी रिस्पॉन्स में याद दिलाएंगे, नहीं ये वही है मेरा पहला पहला प्यार है, ठीक है, ये वही है। तो यहाँ पे फास्ट होएगा जो भी काम होगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, और इसी सेकेंडरी रिस्पॉन्स को हम एनाफिलैक्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एनाफिलैक्टिक रिस्पॉन्स। तो पहला रिस्पॉन्स क्या होगा, व्हेन द सेम पैथोजन एंटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम द बॉडी स्लो, व्हेन द सेम पैथोजन एंटर्स इनटू द बॉडी फॉर द सेकंड टाइम द बॉडी रिएक्ट्स वेरी फास्ट, ठीक है। दिस इज हाउ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी वर्क्स। नाउ हाउ इट वर्क्स लाइक दिस, बिकॉज इट हैज फॉर्म्ड मेमोरी सेल्स। क्या बना चुकी है बॉडी? मेमोरी सेल्स बना चुकी है, ठीक है। यस टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कितने टाइप्स की एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जल्दी बताएंगे सब मैम को चैट बॉक्स में, कितने टाइप्स की एक्वायर्ड इम्यूनिटी है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास टू टाइप्स की है, कितने टाइप्स की है? टू टाइप्स की। पहली है ह्यूमोरल, ह्यूमोरल का मतलब होता है फ्लूइड, ह्यूमोरल का मतलब क्या होता है फ्लूइड, यानी बहने दो मुझे बहने दो, यानी ब्लड, जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो दो तरह की इम्यूनिटी, एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो ब्लड में प्रेजेंट है, एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले एएमआई, आ जाओ भाई, बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। यस अब देखो इधर, एएमआई एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी सेल। तो बनता कहाँ है बी सेल मेरे बच्चों? बी सेल बनता कहाँ पे है? यस बोन मैरो। मैच्योरेशन ऑफ बी सेल कहाँ हो रहा है? बोन मैरो। यानी दोनों काम बी सेल्स के, बनना भी और मैच्योर होना, सब कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में, ठीक है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एंटीजन। एंटीजन एक ऐसा फॉरेन मॉलिक्यूल है जो जनरेट कराता है एंटीबॉडीज। क्या बोला मैम ने? एंटीजन एक ऐसा फॉरेन मॉलिक्यूल है जो बॉडी के अंदर आके क्या जनरेट कराएगा? एंटीबॉडीज, ठीक है। ये एंटीबॉडीज कौन है? जो सीधा पहुंच जाएगी लड़ने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा मम्मी नीचे, अगर आंटी ने बोल दिया ऊपर वाली आंटी ना अक्सर कूड़ा गिर देती है, आप देखते ना जब देखो कभी पानी आ रहा है कभी कचरा आ रहा है, मम्मी इज लाइक क्या बोल रहे, चल चल बेटा चल, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे, हम दिन भर मोटर का काम नहीं करते, हम दिन भर मोटर का स्विच बंद करते हैं, तब तो हम नहीं बोलते, जरा सा पानी गिर दिया बच्चे ने क्या हो गया। तो दीज आर एंटीबॉडीज, एकदम से लड़ने पहुंच जाती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट करते वो है एंटीजन।
ठीक है, और जो जाके लड़ना शुरू करते हैं वो है एंटीबॉडी। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं एंटीबॉडी की। आ जाओ बेटा, ये है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एक बार आप देख लीजिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यस, बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम, ये देखिए। यस ठीक है बच्चों, आ जाओ। लाइक वन ऑफ आवर फ्रेंड, तुम्हारे यहाँ भी मतलब यही सब चल रहा है? तुम्हारे यहाँ भी यही सब चल रहा है? माई गॉड, एवरीवेयर इट इज सेम स्टोरी, है ना? यस, समटाइम्स आई वंडर, एवरीवेयर द थिंग्स आर सो सेम। अब यहाँ पे आप समझो कि इस एंटीबॉडी में दो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है, दो हैवी चेन दो लाइट चेन, ठीक है, और 12 सॉरी 16 डाइसल्फाइड लिंकेजेस है। कितनी है? 16 डाइसल्फाइड लिंकेजेस प्रेजेंट है, जो इस पूरे स्ट्रक्चर को जोड़े रखी है। जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड हैवी चेन है, और यही रीजन है जो किससे जुड़ता है? एंटीजन से। ठीक है, सो दिस रीजन विद बाइंड्स विद एंटीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड एज पैराटो। इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज पैराटो। ठीक है, चलिए अब एपिटोप क्या है, पैराटोप क्या है? एपिटोप वो हिस्सा एंटीजन का जो एंटीबॉडी से जुड़ेगा, पैराटोप वो हिस्सा एंटीबॉडी का जो एंटीजन से जुड़ेगा। इस तरीके से इसको याद करना होता है, थोड़ा सा आपको लगेगा टफ बट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं गेम डी पे। गेम डी, हमारे पास 5 तरह के एंटीबॉडीज है, जिसमें आईजीजी जो है सबसे छोटी एंटीबॉडी होती है, एंड दिस इज द ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉसेस प्लेसेंटा। वापिस से मैम के साथ बोलेंगे, अगर नीट में क्वेश्चन आता है नेम वन एंटीबॉडी विच क्रॉसेस प्लेसेंटा, आपका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, व्हाट विल बी योर आंसर? इट्स आईजीजी विच क्रॉसेस प्लेसेंटा। ठीक है, नेम द एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा टीयर्स एंड कोलोस्ट्रम, आंसर क्या होगा? आईजीए। नेम द एंटीबॉडी विच इज लार्जेस्ट इन साइज, आईजीएम। ठीक है, नेम द एंटीबॉडी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एलर्जिक एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, आंसर होगा आईजीई। नेम द एंटीबॉडी जिसका कुछ रोल ही नहीं दिया एनसीईआरटी ने, आईजीडी। ठीक है, चलो अब आते हैं महात्मा गांधी। प्राइमरी रिस्पॉन्स में आईजीजी कम होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में आईजीजी का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए फास्ट रिएक्शन होता है बॉडी का टू किल द एंटीजन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ये वाला पार्ट जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, जो पार्ट इस वक्त जरूरी नहीं है, आई एम मिसिंग दोज पार्ट, स्किपिंग दोज पार्ट। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आप नोट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आई एम स्ट्रिक्टली मेकिंग श्योर कि मैं एनसीईआरटी कवर कर दूं, अगर मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी तो फिर हमारा रिविजन जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यस गाइज लाइक कर दो वीडियो, ये सब मत सुनना। ओंकार कह रहा मैम मेरे मार्क्स 200 से कम है, लिंक ओपन नहीं हो रहा। लिंक ओपन क्यों नहीं हो रहा? आप लोगों को ग्रुप का लिंक भेजा तो है। मैं चाहूं तो अपने मेन टेलीग्राम चैनल पे भी डेली के टारगेट्स पोस्ट कर सकती हूँ, बट देर आर लिटिल प्रॉब्लम्स नाउडेज कमिंग विद मी। यस बता दूंगी आपको क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, यस चलो आ जाओ। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसकी बात करते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में पास टी हेल्पर सेल है, टी सी सेल है। टी हेल्पर सेल डायरेक्टली किल नहीं करता है कभी भी, टी हेल्पर सेल हमेशा आगाह करता है बी सेल को या टी सी सेल को कि आ जा भाई तो इसको मार के चला जा। ठीक है, वहीं पे हमारे पास टी साइटोटॉक्सिक सेल है, टी किलर सेल। ये कहता है अच्छा गुंडा यहाँ पे, मार इसको अभी पकड़ के, तो ये हाथों हाथ किलिंग कर देता है। ठीक है, यही वो सेल्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो अगर किसी में किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो रहा है तो उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन क्या हो सकता है? टीसी सेल हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पार्ट से आएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, हमारे पास दो टाइप की इम्यूनिटी है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी, एक है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो है जब आप खुद से घर में बैठ के मैगी बना रहे हैं। ठीक है, यस क्या बना रहे हैं? खुद से मैगी बना रहे हैं। पैसिव क्या है? बना बनाया मैगी आ रहा है। यस ठीक है, तो एक्टिव में क्या है? बॉडी खुद से एंटीबॉडी बना रही है। पैसिव में बॉडी को बनी बनाई एंटीबॉडीज हम दे रहे हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अब बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन खुद से। इसमें एक आर्टिफिशियल हो सकता है, एक नेचुरल। नेचुरल क्या भाई? चलते चलते मेरे को इन्फेक्शन हो गया कोविड। ठीक है, वहीं पे आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल जब हम खुद से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या पैथोजेंस इन द बॉडी, जैसे कि उसका एग्जाम्पल क्या है? वैक्सीन। ठीक
ठीक है, वहीं पे रेडीमेड एंटीबॉडीज का नेचुरल सोर्स क्या, आईजीजी, जो मदर से फीटस के पास जाती है आईजीए कोलोस्ट्रम के माध्यम से। वहीं पे इसमें आर्टिफिशियल क्या है, जैसे एंटी टेटनस सीरम, जो चोट लगने के 72 घंटे बाद आपको लगाना होता है। ठीक है बच्चों, यस। चलो दूसरा है एंटी वेनम, यानी कि ये एक ऐसा है, जब मान लीजिए सांप काट गया तो उस केस में एंटी डॉट देते हैं, यही एंटी वेनम को एंटी डॉट कहते हैं। ठीक है, एक सांप होता है जो एक्चुअल सांप होता है जो आपको काटता है, एक सांप वो होता है जो बहरूपीय के रूप में घूम रहा है, इच्छाधारी, यस, जो आपके आसपास घूम रहा है, संभल के रहे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। क्या है वैक्सीनेशन, क्या है इम्यूनाइजेशन? वैक्सीनेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जहां पे बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाती है, वहीं पे इम्यूनाइजेशन एक पैसिव प्रोसेस है जहां पे हम बॉडी को एंटीबॉडी देते हैं। मेमोरी बेस्ड है दोनों का फिनोमिना। वैक्सीनेशन स्टार्टेड विद एडवर्ड जेनर, काउ पॉक्स, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ वैक्सीनेशन, बट लुइस पाश्चर वाज द फर्स्ट वन हु क्रिएटेड द ट्रू वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलेरा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन। हमारे पास 3 जनरेशन वैक्सीन है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन या होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन, यानी यहाँ पे हम पूरा बैक्टीरिया यूज करेंगे। अब बैक्टीरिया दो तरीके से यूज कर सकते, या तो उसको मार दो या उसको कमजोर कर दो। ठीक है, या तो उसको मार दो या उसको कमजोर कर दो। ठीक है, व्हेन ऑर्गेनिज्म इज ग्रोन इन अनसुटेबल कंडीशन, तो वो कमजोर हो जाएगा, है ना बच्चों? और व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज किल्ड और इनएक्टिवेटेड यूजिंग हीट और केमिकल्स, इसके एग्जाम्पल है बीसीजी, डीपीटी, टाइफॉइड वैक्सीन। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में हम ऑर्गेनिज्म को यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसके सब यूनिट्स को यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं? सब यूनिट्स को। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया डिप्थीरिया, टेटनस, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड जनरेशन वैक्सीन, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। और ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन अभी तक हमने किस किस के लिए बनाई है बच्चों? हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, किस किस के लिए बनाई है? हर्पीस एंड हेपेटाइटिस बी के लिए। ठीक है, चलो मैम, डिड अ स्नेक बाइट यू एनी टाइम? नो बेटा अब्दुल, थैंक्स फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। इम्यूनाइजेशन, पप्पा कौन थे इम्यूनाइजेशन के, चलिए बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। एमिल वॉन बेरिंग, बेटा मैं सर बता रही हूँ, अगर नहीं मन पढ़ने का तो बता दो, मैं इस चैप्टर को खत्म करके आराम से, आज मेरे को वैसे भी पार्टी में जाना है, मैं चली जाऊंगी। आज हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, 8-9 बजे मुझे तैयार होके जाना है, बता दो, मैं पक्का चली जाऊंगी, बड़ी बेशरम हूँ मैं इस चीज में। पढ़ना है तो पढ़ो, आपका टाइम कीमती, मेरा टाइम कीमती, आप नीट देकर आगे चले जाओगे, बट मुझे तो अपनी फैमिली के साथ रहना है ना। यस, तो मैं सच बता रही हूँ, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, बिल्कुल मेरे को मोह माया नहीं है किसी चीज की, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए आई एम स्टैंडिंग हियर, ओनली रीजन। चलिए, प्रोवाइड रेडीमेड एंटीबॉडीज टू इमीडिएट फाइट इन्फेक्शन। देखिए, अगर कोई बहुत बीमार है तो उसको आप वैक्सीन नहीं दे सकते, आपको उसे तुरंत से ठीक करना है, तो आपको उसे क्या देनी पड़ेगी? आपको उसे देनी पड़ेगी बनी बनाई एंटीबॉडी। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। वैक्सीनेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, इम्यूनाइजेशन एक पैसिव प्रोसेस है। वैक्सीनेशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इम्यूनाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे वैक्सीनेशन में पैथोजन को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, और इम्यूनाइजेशन के अंदर एंटीबॉडी को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, यस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कौन से डिसऑर्डर होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं व्हेन इम्यून सिस्टम फेल्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। जब हम यही भूल जाते हैं कौन अपना है कौन पराया, तब हो जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, क्योंकि इम्यून सेल्स जो है अपनी बॉडी के खिलाफ ही काम करने लग जाते हैं, अपनी बॉडी के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके एग्जांपल्स जो कि पीवाईक्यू रह चुके हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1, हाशिमोटो, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, विटिलिगो, सोरियासिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ग्रेव डिजीज। इसी ग्रेव डिजीज को दूसरे नाम से हम कहते हैं एक्सोथेल्मिक गॉइटर। ठीक है, नेक्स्ट है एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी। एलर्जी क्या है? एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे आपने दीदी को बोला, दीदी आज ना शादी है, और शादी में ना बहुत बढ़िया शादी है दीदी, बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो जाता, दीदी अब ओवर एक्साइटेड हो जाएगी, दीदी पार्लर भी जाएगी, ठीक है, दीदी बहुत अच्छे से तैयार होकर जाएगी, और वहां पता लगेगा दीदी को कि यहाँ तो मैं किसी को जानती ही नहीं, तो ये एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है। ऐसे ही इम्यून सिस्टम भी किसी किसी चीज को देख के ना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है, तो एलर्जी हो जाती है उससे।
और जिसके कारण एक्साइटेड हो रहा है वो है एलर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी एलर्जी होगी बॉडी के अंदर तो आईजीई बनेगी, एक्टिवेशन ऑफ इओसिनोफिल्स होगा, ठीक है। ईईई जब तक नीट का एग्जाम में हो जाता है एलर्जी, ठीक है, आईजीई बनेगी, एक्टिवेशन ऑफ इओसिनोफिल होगा, ठीक है। फिर आते हैं एस्मा, पहला एग्जाम्पल एस्मा जिसमें वीजिंग साउंड, सीटी जैसी आवाज आएगी, इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स होगा, एक्जिमा कभी भी स्किन पे रैशेज आ जाएंगे, ठीक है। हे फीवर, रनिंग रोज, हे फीवर क्या होता है, जब आपने देखा होगा हाईवे पे कई बार जो ट्रक भूसा लेके जा रहे होते हैं, अक्सर वहां पे एक ये कपड़ा फटा सा होता है उसमें से भूसा निकल रहा होगा, बस आपने सूंघना है, दैट्स इट, हो जाएगा। एनाफाइलेटिक शॉक, अभी हाल ही में आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई होगी, जब आप वैक्सीन लगवाने गए होंगे तो उन्होंने आपसे पूछा होगा आर यू एलर्जिक, ठीक है, आर यू एलर्जिक टू समथिंग, तो जैसे कि आई एम एलर्जिक टू मशरूम, तो मैं बता देती हूँ आई एम एलर्जिक टू यू नो फंगस वाली चीजें, तो मैम बताया। ऐसे ही पेनिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, अगर आप एलर्जिक है इसके लिए तो बॉडी हिस्टामिन रिलीज करेगी, बॉडी में चीज मचनी शुरू होगी, वेसो डायलेशन होगा, ब्लड प्रेशर गिरेगा और इस केस में डेथ हो सकती है। इसलिए इन लोगों को इमीडिएटली बचाने के लिए इंजेक्शन हमें देने पड़ते हैं एपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल के, या एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देनी पड़ती है टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम दिस एनाफाइलेटिक शॉक। मैम ये नहीं पूछा था हमारे यहाँ, तो पूछा था, ये पूछा था क्या खा के आए हो, ऐसा तो नहीं उसने सिर्फ मुझसे पूछा था ये सब, पता नहीं तुमसे पूछा था क्या किसी से। यस चलो, लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करते हैं, ये जितने भी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं सबके सब मीजोडर्मलिन ओरिजिन होते हैं। क्या ओरिजिन है इन सबका, दे ऑल आर मीजोडर्मलिन ओरिजिन, सबके सब मीजोडर्मलिन ओरिजिन है, ठीक है। वी हैव प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी वो है जहां पे बनते भी और मेच्योर भी होते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी वो है जहां पे लड़ने पहुंच जाते हैं अखाड़ा, ठीक है। तो प्राइमरी का एग्जाम्पल है बोन मैरो थाइमस, और अखाड़ा यानी सेकेंडरी के एग्जाम्पल है स्प्लीन विच इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, लिम्फ नोड्स जिसमें टॉन्सिल्स आते हैं यहाँ पे, पियर्स पैचेस, इनिलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, माल्ट विच मेक्स अप 50% ऑफ हमारा लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक एड्स, इम्यूनिटी टॉपिक डन एवरीवन, हो गया सबका, अब एड्स बचा है हमारा, कैंसर बचा है और ड्रग्स बचे हैं। चैप्टर ये बहुत लंबा है, सबसे लंबा चैप्टर लगता है मुझे ये। चलिए आइए, एड्स, एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि ये हमेशा एक्वायर किया जाता है, यू आर नेवर बॉर्न विद, इवन आप बॉर्न भी हो रहे हो मतलब पैदा होते ही है तब भी आपने मदर से एक्वायर किया होगा, ठीक है। इसे स्लिम्स डिजीज भी कहते हैं। हिस्ट्री, 1981 में यूएस में पहला केस मिला था, इंडिया में 1986 में पहला केस मिला था। जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके अगेंस्ट काम कर रही है, जो कह रही है कि भाई एड्स नहीं होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो कुछ इस तरीके से है और उसका नाम है नैको। नैको क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और एड्स डे हम मनाते हैं 1 दिसंबर को, कब मनाते हैं 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स डे। कॉजेटिव एजेंट इसका है रेट्रोवायरस, दैट इज एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, क्या नाम है उसका, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। आइए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले तो एक ऑनवलप्ड वायरप है, क्या आपने कभी ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो समझाया जाए, क्या आपने अपने कोचिंग में ऐसा कभी स्ट्रक्चर पढ़ा है, मैं सब मान के चलो सब सबके सब तुम मेरे से तो पढ़े नहीं होंगे, है ना, ऐसा मान के चलो, यस हाँ पढ़ा है हमने, नहीं पढ़ा तो आज देख लो, ठीक है। देखो ये ऑनवलप्ड वायरस है, बाहर का जो इसका ऑनवलप है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, और ग्लाइकोप्रोटीन दो तरीके के होते हैं, एक GP120 होता है और एक GP41 अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर वेट। इस ऑनवलप के अंदर एक कैप्सिड है, कैप्सिड प्रोटीन से बना है, ठीक है, और इस कैप्सिड में भी दो तरह के कोट है, आउटर कोट P17 प्रोटीन से बना है, इनर कोट बना है P24 प्रोटीन से, ठीक है, कैप्सिड प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। इस कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड प्रोटीएज, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एचआईवी वायरस, क्या बोलते हैं इसे, एचआईवी।
अब आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आखिर कैसे फैलता है ये एचआईवी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मदर टू फीटस फैल सकता है। इन्फेक्टेड सीरेंजेस, अगर किसी के एड्स है, आपने उसी का नीडल अपने में लगा लिया तो एड्स हो जाएगा, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो अगर आप कभी भी हॉस्पिटल जाते हैं यू हैव टू मेक श्योर कि आपका यूज्ड सिरिंज जो है उसे ब्रेक कर दिया जाए, या आप कभी भी कोई इंजेक्शन लगवा रहे हो तो मेक श्योर कि एक नया इंजेक्शन निकाला जाए, या आपको खुद से देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अस्पतालों में ऐसा पहले होता था कि काफी लोगों को एड्स हुआ है। अब तो खैर सब बहुत अलर्ट रहते हैं, बट आप और एक्स्ट्रा अलर्ट रहे अपनी हेल्थ को लेके, ठीक है। अब आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे मैक्रोफेज की, जो कि हमारे बॉडी के अंदर है, विच आर कॉल्ड एचआईवी फैक्ट्रीज। ये जो मैक्रोफेज है इस पे सबसे पहले हमला होगा एचआईवी का। क्या होगा? एचआईवी का हमला। लाइक नहीं करना क्या सेशन को? आओ और बस देख के चले जाओ, ना लाइक करो ना कमेंट करो। गर्म आम के सेशन में ये करता हूँ हमेशा, बदतमीज कहीं के, इट हर्ट्स यार। चलो अब क्या हुआ, CCR5 CD4 रिसेप्टर है, ये दोनों जुड़ेंगे GP120 और GP41 से। इससे क्या होगा, एक चैनल बनेगा, दोनों की मेम्ब्रेन के बीच में एक चैनल बनेगा, और चैनल बनने के कारण कैप्सिड अंदर आ जाएगा। क्या अंदर आ जाएगा? कैप्सिड। और इस कैप्सिड जो कि प्रोटीन से बना, इसे काटने के लिए प्रोटीएज आएगा, प्रोटीएज इसे काट देगा, तो बाहर निकल के आ जाएंगे आरएनए। इस आरएनए से हम बनाएंगे सीडीएनए। क्या बनाएंगे? सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से बनाएंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या बनाएंगे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सीधा जाके इंटीग्रेट हो जाएगा किसके अंदर? हमारे जीनोम में। और फिर बनने शुरू होंगे वायरल एमआरएनए, वायरल प्रोटीन, और ये वायरल प्रोटीन टी हेल्पर सेल को मारना शुरू करेंगे, और इस तरीके से अपन की इम्यूनिटी हो जाएगी कम। क्या हो जाएगी? कम, ठीक है। अब आते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स देखते हैं, एक विंडो पीरियड होता है, एक इंक्यूबेशन पीरियड। विंडो पीरियड होता है इन्फेक्शन और डिटेक्शन के बीच का टाइम, इंक्यूबेशन होता है डिटेक्ट इन्फेक्शन और सिम्टम के बीच का टाइम, ठीक है, जो कि 6 months, यानी 6 महीने बाद लक्षण आने शुरू होते हैं एड्स के। मतलब बंदा बचे भी तो कैसे बचे? नागिन को बुला के खून भी नहीं चुसवा सकते, यस कैसे बचे बताओ। चलिए, स्वॉलन लिम्फ नोड है इसका एक तो सिम्टम, फीवर, फ्रीक्वेंट इलनेस, बीमार पड़ते रहेंगे क्योंकि इम्यूनिटी कम हो गई है, कैंसर बहुत जल्दी हो जाता है, टेक्सोप्लाज्मोसिस, निमोनिया। अ पर्सन नेवर डाइज बिकॉज ऑफ एड्स बट ड्यू टू अदर इन्फेक्शन। अब डिटेक्शन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग करेंगे, जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट है, पीसीआर कर सकते हैं या एलाइजा। मेडिकेशन, अगर हम बचाना चाहते हैं, देखिए पूरा इलाज तो हम कर नहीं सकते, बचा सकते बस। AZT, एजिडोथाइमिडीन, रेट्रोविर, स्टॉप्स द एक्टिविटी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये हो गया हमारा एड्स कंप्लीट। कैंसर पे चले चले बेटा चुन्नू, एक तो तेरा नाम इतना प्यारा है ना चुन्नू, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। टारगेट्स इसलिए नहीं आए, मैं आपको रीजन बता देती हूँ, आई कैन नॉट से दिस ऑन यूट्यूब यार, तुम बात समझ नहीं रहे हो, एट दिस प्लेटफॉर्म आई कैन नॉट से दिस यार, तुम यार मेरे को पकड़वाओगे किसी दिन, मैं इतना तो तुम्हारी बात समझ गई हूँ, तुम एक दिन पक्का मेरे को पकड़वाओगे, क्योंकि तुम मानते ही नहीं हो बिना पूछे। एक तो नाम इतना प्यारा सा रख लिया चुन्नू, यस नाम भी इतना प्यारा सा रख लिया है चुन्नू, नहीं बता रही मैं, बैंड बजा दोगे मेरी, मेरी वीडियो प्राइवेट हो जाएगी। पता है कितना फायदा है, 70,000 बच्चों ने सेल यूनिट देखी कल, अभी तक 50,000 बच्चों ने जेनेटिक्स देख लिया है, आज के भी देखो कितने बच्चे देखेंगे, यस। चलो अब आते कैंसर। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड स्पैमिंग इन माय चैट बॉक्स, अनकंट्रोल्ड डिविजन इज कॉल्ड एज कैंसर, ठीक है। बेनाइन एंड मेलिग्नेंट, दो तरह के होते हैं, बेनाइन और मेलिग्नेंट। बेनाइन होता है लोकलाइज ट्यूमर, मेलिग्नेंट होता है जो फैल पाता है, मेटास्टेसिस शो करता है, ठीक है। ये लोकलाइज होता है, ये घूमता फिरता है, ये स्प्रेड नहीं होता है, ये मेटास्टेसिस शो करता है। इसे सर्जिकली निकाला जा सकता है, इसे सर्जिकली निकाला नहीं जा सकता, इसलिए ट्रू कैंसर नहीं है, ये ट्रू कैंसर है। इसका हो गया स्किन टैग्स एंड वॉट्स, वो देखे आपने मत्से बन जाते कुछ लोग को, यहाँ ऐसे कहीं पे भी मत्से,
है ना, वो सब होते हैं, वो हटाए जा सकते हैं, ठीक है। वहीं पे लिवर कैंसर, थ्रोट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सब बड़े कैंसर है। इज्जत दो, दिया करो इन सबको इज्जत, ठीक है। चलो, कार्सिनोजेंस, एजेंट्स विच कॉजेज कैंसर आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। क्या होते हैं कार्सिनोजेंस बच्चों? एजेंट्स विच कॉजेज कैंसर आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। अब हमारे पास पहला जो एजेंट है वो है फिजिकल एजेंट। पहला एजेंट कौन सा बच्चा पार्टी? फिजिकल एजेंट। पहला कौन सा है? फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में हमारे हमें करनी है रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग का एग्जाम्पल है यूवी रेस, आयनाइजिंग रेडिएशन का एग्जाम्पल है एक्सरे, गामा रेस। हर चीज पे एक्सरे कराने मत पहुंच जाए करो। शार्प टीथ, अगर किसी के टीथ बहुत शार्प है तो बार बार जीप कटती रहेगी, बार बार भरेगी बार बार कटेगी, बार बार भरेगी बार बार कटेगी, बार बार भरेगी बार बार कटेगी, कैंसर हो जाएगा। कांगड़ी कैंसर, सर्दियों में अपने कोट के नीचे लेकर घूमते हैं ये आग का बबूला, ठीक है, अपने आप को गर्माइश देने के लिए, कैंसर हो जाता है उससे, ठीक है। फिर आते हैं केमिकल कार्सिनोजन, जैसे एफ्लाटॉक्सिन जो लिवर कैंसर करता है, फंगस रिलीज करती है, मस्टर्ड गैस, कोल तार जो कि हुक्का में होता है, ये जो जाते हो ना तुम पार्टियों में हुक्का फूकने वही, हाँ, बीपीए, प्लास्टिक, जो प्लास्टिक के छुटका कप में चाय पीते हो नालायक। बायोलॉजिकल मतलब ऐसे एजेंट्स जो लिविंग एजेंट्स है विच कॉजेस कैंसर, ऐसी वायरसेस है हमारे पास जिन्हें हम ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहती है, ठीक है। ये ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो है प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है? ऑन्कोजीन्स में, कैंसर कॉजिंग जीन्स में, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। कितने टाइप्स ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन? वी हैव कार्सिनोमास, वी हैव सार्कोमास, वी हैव ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। कार्सिनोमास, जितने भी टोटल कैंसर आप सुनते हैं उसमें 85% कार्सिनोमा होते हैं, क्योंकि दीज आर द कैंसर ऑफ एपिथीलियल टिश्यू, ठीक है। यस, क्या है? दीज आर द कैंसर ऑफ एपिथीलियल टिश्यू। सार्कोमास 5% ऑफ टोटल कैंसर, बहुत कम, रेयर होते हैं क्योंकि मीजोडर्मल टिश्यू के होते हैं। ब्लड कैंसर 14% होते हैं, ठीक है, जो ब्लड सेल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म, आखिर ये कैंसर होता कैसे है, कैसे होता है ये कैंसर? एपोप्टोसिस, देखो बेटा हर की ना जाने का समय निश्चित है, ये बात आप मानते हैं, आरबीसी को जाना है, हर 120 दिन बाद आरबीसी में जाना है, ये बात आप मानते हैं, माननी पड़ेगी क्योंकि यही सत्य है। बट अगर ये सेल्स जाने से मना कर दे तो नए बन रहे हैं, पुराने वाले जा नहीं रहे हैं, तो सेल बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर हो जाता है। दिस इज व्हाट कैंसर। तो नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन काम करता है, प्रोटो ऑन्कोजेंस प्रोटो रहते हैं और एपोप्टोसिस हो रहा है, तब कंट्रोल सेल डिवीजन, बट इनमें से कोई एक भी बिगड़ा ना तो कैंसर हो जाएगा। ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं कि नहीं करूंगा मैं सप्रेस, जा, कैंसर हो गया। प्रोटो ऑन्कोजेंस ऑन्कोजेंस में बदल गए, कैंसर हो गया। एपोप्टोसिस, मरने का ही नहीं अपन को, तो सीधा हो गया कैंसर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यस, आ जाओ, तुम्हें नोट्स, तुमने पूरे साल अपने कोचिंग में पढ़ा होगा, नोट्स तो तुम्हारे पास भी है, ये नोट्स का तुमने क्या करना है? तुम आओ और रिवाइज करो, नोट्स देना बंद आज से। और क्या, जो पूरे साल पोथे बनाए हैं वो कहाँ है फिर, कहाँ है वो सारे जो पूरे साल भर बनाए हैं? अगर यही नोट्स लेने होते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं हो फिर साल भर हमसे, नालायक कहेंगे, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, पढ़ो चुपचाप से। सबसे पहले कैंसर किसी भी एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, खुद से ग्रोथ फैक्टर निकालेगा, खुद से बड़ा होगा। ग्लूकोज डिमांड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इन्हें टाइम मिलता नहीं है मैच्योर होने का, इसलिए अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स रहते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये सीधा अपने गाँव की बुलेरो में बैठते हैं, अरे भैया भैया लल्ला को ऊपर बिठा लो, लल्ला के ऊपर चुन्नी भी उठा लो, हाँ ए चुन्नी तेरे ऊपर कोई बैठ सकता है क्या, ठीक है, कोई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं है। 5 लोग की गाड़ी में 50 लोग भर के जाएंगे तो दैट मीन्स नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। शो प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोजेनेसिस, अपने रास्ते खुद बनाएंगे, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कैपिलरी। दे हैव एपोप्टोटिक मशीनरी, दे डोंट हैव एपोप्टोटिक मशीनरी, मरने से ही मना कर दिए, मरने से ही मना कर दिए, ठीक है। नो कंट्रोल सेल डिविजन, किसी चीज का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जवान लड़के की तरह। हाई टीलोमेरेज एक्टिविटी, बूढ़े भी नहीं होते, जवान रहते हैं ये, ठीक है। चलो, डिटेक्शन ऑफ कैंसर, आखिर अगर हमें डिटेक्ट करना है किसी को कैंसर है तो कैसे करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। बायोप्सी कर सकते हैं,
टिश्यू निकाल लो और उसको चेक करो, सेल काउंट कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि ब्लड कैंसर है, पैप स्मियर अगर सर्विकल कैंसर है फीमेल में तो उसका सर्विकल म्यूकस निकाल के चेक करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसमें हम एक्सरेज यूज करते हैं, ठीक है, एमआरआई बहुत महंगा होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कॉस्टली है बट सबसे एक्यूरेट तरीका है पहचानने का, पेट स्कैन छोड़ दो ये तुम्हारे ऊपर की बात लग रही है मुझे, ठीक है, ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी केमिकल्स देते हैं कैंसर सेल्स को मारने के लिए, ठीक है, ये केमिकल्स में विन ब्लास्टिन विन क्रिस्टिन होता है जो विन का रोजिया से लेते हैं, टैक्सोल टैक्सिस बकाटा जिम्नोस्पर्म से, ठीक है, रेडियोथेरेपी थ्रोट कैंसर के लिए यूज होती है, इम्यूनोथेरेपी जहां हम इंटरफेरॉन दे रहे हैं टू किल कैंसर सेल्स, ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में, यस। अब आते हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ये पढ़ाना है या आता है, पढ़ाना है या आता है, कोई लिख नहीं रहा पीएचडी की इस पे, सच नहीं बताते क्लास में। अब यहां पे मैंने बच्चों को टेबल बनवाई थी, सबसे पहले ट्रैंकुलाइजर्स एंड सेडेटिव्स, सारे जिंदगी के गम भुला के चली आई हूं मैं, ठीक है, यस। इसका एग्जाम्पल है बाबुचरेट बेंजोडाइजेपिन्स, मार्केट में से वेलियम नाम से बेचा जाता है, ये हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, नींद आती है इसमें, एंटी डिप्रेशन, झूम उठते हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ओपियोइड्स, इसमें मॉर्फिन हीरोइन स्मैक ओपियम आता है, ठीक है, हीरोइन सबसे महंगी है क्योंकि नाम में हीरोइन है ना बच्चों, इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो चीफली गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक और सीएनएस में होते हैं, ये एनल्जेसिक्स होते हैं, मुंडा पेन किलर वर्गा सर दर्द मिटा लिंदा, ये सारे गमों को भुलाने के लिए, ठीक है, दर्द को भुलाने के लिए। फिर आते हैं कोका अल्कलॉइड्स, दीज आर स्टिमुलेंट्स व्हिच यू ऑब्टेन फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका, जैसे एम्फेटामिन्स कॉफी कोकेन, ठीक है, ये सब चीजें होती है, ये बॉडी की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, हाई डोज अगर लोगे तो हेलुसिनेशन भी होने लगता है कि हैं हैं मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, यस, ये बेसिकली इंटरफेयर करते हैं डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर के मैकेनिज्म में, क्योंकि डोपामिन का काम होता है रिलैक्स करना। फिर आते हैं हेलुसिनोजेंस, कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिस सेटाइवा से निकालते हैं, जैसे भांग चरस गांजा हशीश एलएसडी ये सब, ठीक है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर सीएनएस में होते हैं, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दिल को आराम दे देते हैं, दिल ऐसे करता है, पहले दिल धक 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 कर रहा था, अब दिल धक 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 कर रहा है, ठीक है, यस, तो इट्स बेसिकली कीप्स योर बॉडी काम, ठीक है, यस, हमेशा काम। फिर कोई मम्मी चिल्ला रही है अरे काम करे नहीं कर रहा हम चुन्नी बाबू है मम्मी, बस उसके बाद चप्पल आती है। फिर अब आते हैं निकोटिन, निकोटिन एक तरह का अल्कलॉइड है जो दो फॉर्म्स में लिया जाता है, या तो स्मोक करके या गुटखा खा के, स्मोक अगर करेंगे तो लंग कैंसर हो जाएगा, गुटखा खाएंगे तो थ्रोट कैंसर हो जाएगा, अब तो मुकेश भी नहीं आता, अब तो आंटी आती है बताने के लिए ये बात। रिलीज इमरजेंसी हार्मोन एक्टिव, बेसिकली क्यों खा रहे लोग, एक्टिव रहने के लिए, इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं एक्टिव रहते हैं, इट्स लाइक वू, ठीक है। अल्कोहल, क्यों हमें दारू नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि स्पीच कंट्रोल नहीं रहती, आप क्या बोल रहे हैं आपको बिल्कुल नहीं पता रहेगा, आपका बॉडी का बैलेंस नहीं होता, आपके पेट में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, किडनी फेल हो जाती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, आपका लिवर सड़ जाता है, ठीक है, आपकी शादी टूट जाती है, आपकी जितनी भी जमीन है आपकी पत्नी हड़प जाती है, ठीक है, इसलिए हमें दारू नहीं पीनी चाहिए। अब आते हैं स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स क्या है, हॉर्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनाबॉलिज्म, बेसिकली ये वो है जो बॉडी को बनाने का काम करते हैं, जैसे कि इन मेल्स, मेल्स की बात करें तो मेल्स अगर बहुत स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो बॉडी बननी शुरू हो जाएगी ना, महिला वाली बॉडी बननी शुरू हो जाएगी, गायनेकोमास्टिया, मूड स्विंग्स, सोचो पुरुषों में मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ओ माय गॉड, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, बॉल्डनेस, काफी सारी प्रॉब्लम्स है जैसे आप देख रहे हैं। वही अगर फीमेल स्टेरॉइड्स ले रही है तो इनकी भी बॉडी बननी शुरू हो गई है, मैस्कुलिनाइजेशन, मर्दानापन, मुस्टंडा टाइप्स, ठीक है, एनलार्ज क्लिटोरिस, हिर्सुटिज्म, चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाएंगे, हैवी वॉइस, ठीक है, इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे, इनफर्टिलिटी। अब WHO कहते हैं कि भाई देखो किसी को भी ना ये मत बोलो कि तू एडिक्ट है, तू बोल तू डिपेंडेंट है, WHO कहता है कि अगर आप एडिक्ट को एडिक्ट बोलोगे तो इट हर्ट्स, तो डिपेंडेंट बोलो, ठीक है, बस मतलब वही है, डिपेंडेंसी इज एडिक्शन,
बट WHO ने कहा है कि इट हर्ट्स, तो डिपेंडेंसी यूज करने का, ठीक है। अब इस डिपेंडेंसी से जब हम हटाते हैं किसी को तो सिम्टम्स आते हैं जिसे हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, ठीक है। यस, जैसे कि शेकीनेस, वायलेंट बिहेवियर, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, ठीक है बच्चों। चलो बेटा, हो गया तुम्हारा ये कंप्लीट, हो गया। पहले हम माइक्रोब्स करेंगे, फिर स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर करेंगे। एक सेकेंड, ये वाला चैप्टर, अरे वो पीयर प्रेशर तो नहीं पढ़ाना था मुझे, बता दो, वो पीयर प्रेशर तो नहीं पढ़ाना था? ये क्या है ना, पीयर प्रेशर में कई बार आपके जो कदम है वो डगमगाने लगते हैं, ये बताना है क्या? स्ट्रैटेजीज करा रही हूँ, सब करा रही हूँ, ब्रेक लेने दो, 2 मिनट, 2 मिनट का ब्रेक है, जाओ। जॉब ब्रेक लेके आओ 2 मिनट का। मैं कुछ खा लेती हूँ तब तक। मैम पहले हस्बेंड्री, नहीं पहले माइक्रोब्स, नहीं पहले माइक्रोब्स, वो चैप्टर मुझे भी गंदा लगता है। मेरी भी तो कोई चॉइस है, मेरी भी तो कुछ मर्जी है दुनिया में, और क्या। 2 मिनट्स का ब्रेक है, जाओ घूम के आ जाओ। मैं नहीं बता रही, बट आई एम वेटिंग। बायोटेक अभी पढ़ाया है, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, 2 मिनट हो गए। यस, कल रिप्रोडक्शन यूनिट होगी, टुमारो वी विल डू रिप्रोडक्शन यूनिट, ओके। कल तो सब आएंगे, मतलब यस बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स क्या होते हैं, हमारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन में भी रहते हैं, जैसे आर्किबैक्टीरिया, थर्मल वेंट्स हो गए, डीप सी हो गया, मार्शी एरियाज हो गए, ठीक है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स अगर बात करें तो सबसे पहला है हमारा कर्ड। कर्ड बनता कैसे है, 42 डिग्री पे पहले इसको उबालने का, गर्म करने का, फिर 1 चम्मच जामुन डालने का, रात भर छोड़ने का, दही बन जाएगी। अब रात भर क्या हुआ, उसके अंदर था लैब, लैब इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाता है, एंड इट मेक्स द कर्ड। कर्ड जो है गट हेल्थ के लिए अच्छी होती है, आंतड़ियों के लिए अच्छी होती है, न्यूट्रिशनली हाई वैल्यू होती है, प्रोटीन ज्यादा होता है, विटामिन B12 ज्यादा होता है, जो कि PYQ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चीज, किस किस को चीज पसंद है भाई, मेरे को तो बहुत पसंद है चीज, ठीक है। चीज इज द ओल्डेस्ट फूड आइटम, सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम है, पार्शली डिग्रेडेड कॉन्सेंट्रेट ऑफ मिल्क फैट एंड केसिन है। एक स्विस चीज है, स्विस चीज को बनाने के लिए प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमैनी की जरूरत होती है, रॉकफोर्ट चीज के लिए पेनिसिलियम रॉकफोर्टी की, ठीक है। देन कैमेम्बर्ट चीज, बोला भी नहीं जा रहा भाई, ठीक है, ये है ऐसी कोई चीज। ब्रेड एंड बेकरी, बेकर्स यीस्ट एंड यू नो ब्रेड एंड बेकरी में जो यूज होती है वो यूज होती है सैक्रोमाइसिस सेरेविस, कौन यूज होती है जल्दी बताओ चैट बॉक्स में।
कौन यूज होती है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसिम, ठीक है। यहाँ पे फर्मेंटेशन होती है और बबल्स ऑफ CO2 आते हैं। क्या आते हैं? बबल्स ऑफ CO2, जिसे फूल जाता है पूरा ब्रेड। फिर आते हैं डोसा एंड इडली का बैटर, बैटर ऑफ राइस एंड दाल, जिसमें हमें स्ट्रेप्टोकोकस यूज होता है, ठीक है। टॉडी, टॉडी एक ड्रिंक है हमारी साउथ इंडिया की, ठीक है, जिसमें हम सैप और डेट पाम यूज कर रहे हैं, जिससे एक बढ़िया से ड्रिंक बनती है रात के लिए, टू, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। आखिर इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रोब्स हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स के लिए यूज कर रहे हैं। फर्मेंटर्स हेल्प टू ग्रो प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल। तो जो भी है हम प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे बना रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज है, तो इसलिए फर्मेंटर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ब्रूअर्स यीस्ट, जहां पे हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। मोलासेस यूज कर रहे हैं फर्मेंटेशन के। मोलासेस क्या होता है? पानी, जैसे कि आपने कभी आलू धोया हो तो आलू का वो चिपचिपा पानी बनता है, उसे मोलासेस कहते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन है तो विस्की, ब्रांडी, रम है। नॉन डिस्टिलेशन है तो वाइन एंड बियर है। नेचुरली फर्मेंटेड में लेस एल्कोहल होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि 13% से ज्यादा अगर एल्कोहल हुआ तो यीस्ट पॉइजनिंग हो जाएगी, यीस्ट अपने आप को ही मार देगी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले किसने एक्सीडेंटल डिस्कवरी की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसको पढ़ रहे थे? बैक्टीरिया, जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस। इन्होंने देखा कि एक पेट्री डिश पे बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर रहा, क्योंकि उस पेट्री डिश में क्या थी? फंगस। और वो फंगस थी पेनिसिलियम नोटाटम। तो ये पेनिसिलियम नोटाटम एक ऐसी एंटीबायोटिक निकाल रही है जिसका नाम है पेनिसिलिन, और ये जाके किल कर रही है हमारे बैक्टीरिया को। यही रोल किसने अच्छे से स्टडी किया था? अर्नेस्ट चेन ने एंड हर्बर्ट फ्लोरी ने, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू में इन्होंने बहुत हेल्प की थी सबकी। चलो, केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। एस्पेरिजिलस नाइगर, यहां से सबसे ज्यादा मैच द फॉलोइंग आता है इस टेबल से, याद रखना। नाइगर बनाते हैं सिट्रिक एसिड, जो कि अचार को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई बनाता है एसिटिक एसिड, जो चौमिन बनाने के काम आता है, ठीक है, चीका मीका खाना। क्लॉस्ट्रिडियम बुटुलिकम ब्यूटायरिक एसिड, रैंसिड बटर होता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, कर्ड बनाने के काम आता है, ठीक है। अब आते हैं एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम यूज हो रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे? लाइपेजेस यूज होते हैं डिटर्जेंट्स में। मान लो कि अभी आम का सीजन आया, आप आम का रहा, आम का दाग गिर गया, अब उसको साफ करने के लिए डिटर्जेंट यूज करना है, डिटर्जेंट में लाइपेज होगा, ठीक है। देन वी हैव पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, जो कि हमारे फ्रूट जूसेस को बिल्कुल साफ कर देता है, न्यूट्रिशनली भी और दिखने में भी। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर होता है, ठीक है, ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिन्हें हार्ट अटैक आया है। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, जो आफ्टर ट्रांसप्लांट दिया जाता है, एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। अब आते हैं स्टैटिन्स। स्टैटिन्स की बात करें तो स्टैटिन्स में क्या है? मोनास्कस परप्यूरियस। ये जो स्टैटिन है, दिस इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, यानी कि ब्लड में हमेशा कोलेस्ट्रॉल का लेवल को ये कम करके रखेगा। फिर आते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज वाटर कंटेन्स ह्यूमन एक्सेल। देखो सीवेज वाटर क्या है? पॉटी वाला पानी, सिंपल सी बात, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स होते हैं इसमें, बहुत ही महकता है ये पानी, ठीक है। ट्रीटमेंट अब करेंगे तो इसकी दो तरह के ट्रीटमेंट करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में पी से याद रखना है फिजिकल, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ध्यान से देखना क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया सा डायग्राम बनवाया था मैंने बच्चों को विजुअलाइज करा के। आ जाओ, ये क्या है? नाली, नाली से पानी गिर रहा है जो कि सीवेज वाटर है। इस सीवेज वाटर के ऊपर हमने क्या लगा दिया? इस बड़े से टैंकर के ऊपर छन्नी, ठीक है। अब जितनी भी आपने, मान लीजिए नाले के ऊपर कुरकुरे का पैकेट फेंका है, आपने अपनी कोक की छोटी बोतल फेंक दी, आपने टिश्यू फेंक दिया, वो सबको ये जो छन्नी है इकट्ठा कर लेगी, सारा वेस्ट, ठीक है। अब जो पानी नीचे आएगा उसके अंदर होगा सिल्ट, सैंड, छोटे छोटे मिलावट वाला पानी, ठीक है। अब इसको हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, एंड दिस इज सेडिमेंटेशन। अब जितनी भी मिट्टी होगी वो नीचे जमा हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। और जो पानी है जिसे हमें फिल्टर करना है उसे हम बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। इसी प्राइमरी इफ्लुएंट को हम भेजेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है।
अब देखिए ये प्राइमरी इफ्लुएंट को अब हमने एरेशन टैंक में भेज दिया। किस में भेजा बच्चों? एरेशन टैंक में। ठीक है, एरेशन टैंक में जब हमने इसको भेजा पानी को, और यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किए क्या? माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स। क्या इंट्रोड्यूस किए? एरोबिक बैक्टीरिया। धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे, सारा पानी को ऑक्सीजन लेते जाएंगे, ठीक है, और बन जाएंगे फ्लॉक्स, विच आर बेसिकली खूब सारा मैश हुआ के फंजी का, जिसमें फंसे हुए हैं बैक्टीरिया बहुत सारे। ये सारा ऑर्गेनिक मैटर खा जाएंगे पानी का, और पानी हो जाएगा साफ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ चीज हमें समझनी होगी। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना पॉल्यूटेड वाटर होगा, जितना बैक्टीरिया ग्रो करेगा उतना ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिमांड एंड ग्रो। ठीक है, तो जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर उतना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस बीओडी को रिड्यूस करना है अपने फ्रेश वाटर में। अब जितना भी पानी है जो ट्रीटमेंट के बाद है, वो सेकेंडरी इफ्लुएंट है जो सीधा रिवर्स में डाल देंगे, बट उसका क्या करेंगे? जो एरोबिक बैक्टीरिया बचा उससे हम डालेंगे एनोरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहां से बनेगी बायोगैस, जहां से बनेगा मैन्योर। ठीक है, और इस बायोगैस में होता है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन एंड CO2। ठीक है, चलो आ जाओ। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस, ये पूरा सेटअप है गोबर गैस का। यहाँ पे गोबर और पानी को डालने का, ठीक है, मिथानोजेंस काम करेंगे, गैस बनेगी बायोगैस। ठीक है, और पीछे जो बचेगा वो बनेगा मैन्योर। इस मैन्योर को हम खाद कहते हैं, जो हम फील्ड्स पे डाल देते हैं, जो कि अच्छी रहती है हमारे प्लांट्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब ये वाला हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है। इसमें क्या है? लुकिंग फॉर नेचुरल प्रीडेटर्स टू किल द अनवांटेड ऑर्गेनिज्म और पेस्ट, दिस एंश्योर्स नो चेंज इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। देखो बेटा, हम क्या करते थे? फॉर हम पेस्टिसाइड्स यूज करते थे, इंसेक्टिसाइड्स, बट इंसेक्ट और पेस्ट के मरते ही जब हम यूज करते हैं तो पूरी फूड चेन खराब हो जाती है। तो हम यहाँ पे नेचुरल प्रीडेटर्स यूज करेंगे टू इराडिकेट देम। ठीक है, जैसे लेडी बर्ड एफिड्स के लिए, ड्रैगन फ्लाइज मस्कीटोज के लिए, बीटी क्रॉप्स लेपिडोप्टेरेंस के लिए, ट्राइकोडर्मा फंगस किसके लिए है? प्लांट डिजीजेस के लिए, बैक्लोवायरसेस हम यूज कर रहे हैं इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स के लिए। ठीक है, ऐसे ही हम बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं, जो नेचुरली सॉइल को एनरिच करते हैं, जहां पे हमें फर्टिलाइजर्स यूज करने की जरूरत ना पड़े। जैसे बैक्टीरिया हो गया राइजोबियम, फ्रैंकिया हो गया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के लिए, फंगस एंड पाइनस माइकोराइजा हो गया। ठीक है, ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया एनोबेना नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया हमारा पैडी फील्ड्स, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज, एल्कलिनिटी रिड्यूसेस। चलो भाई, ये चैप्टर भी हो गया। मैंने कहा था ना 15-15 मिनट के दो चैप्टर है। यस, मैम मैं आपका वीडियो 2x में देखता हूँ। तो जो सच में मेरी वीडियो 2x देखने की जरूरत पड़ती है? मुझे लग रहा है मैंने पढ़ाया है 2x 3x की स्पीड पे, तो इसको भी 2x देखता है। तेरे को समझ में आता है? ये हमारा वन पेज नोट्स है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। बेटा देखो, इसमें जो मेन पार्ट है मैं वो समझाऊंगी, बाकी चैप्टर रीडिंग आप खुद लगाएंगे। ठीक है, उसका रीजन सिंपल सा एक है कि मैं नहीं समझाने वाली गाय भैंसों को कैसे पालना है। ठीक है, कैसे लगाना है ये सब, ये मैं बिल्कुल नहीं समझाने वाली गाय भैंसे, ये तुम खुद पढ़ो। जो मेन पार्ट है वो मैं समझा रही हूँ, जहां से नीट का क्वेश्चन बनता है PYQ। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, ब्रीड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट एनिमल्स ऑफ सेम स्पीशीज होते हैं। हमारे पास दो तरह की ब्रीडिंग प्रोसेस होती है, एक इन ब्रीडिंग एक आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग क्या है? मेटिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज विच शेयर्स कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 5 जनरेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसमें हम कर क्या रहे हैं? हमने सुपीरियर मेल लिया, सुपीरियर फीमेल, मेटिंग कराई, फिर मेटिंग कराई, फिर मेटिंग कराई, फिर मेटिंग कराई। ठीक है, इवेंचुअली लास्ट में जाके इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, वेरिएशन कम हो जाती है, तो इसलिए हार्मफुल हो जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें आउटब्रीडिंग करनी होती है, जिसमें पहले आउटक्रॉस, जहां पे हम मेटिंग करा रहे हैं इंडिविजुअल्स की सेम ब्रीड की, बट दे डू नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन। अ सिंगल आउटक्रॉस कैन ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि एक ही आउटक्रॉस से वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग, मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड बट ऑफ सेम स्पीशीज।
जैसे कि पंजाब में हमारे हिसा डेर, मरीनो रैम्स, बीकानेरी ईव्स, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का म्यूल एंड हिनी, जहां पे हम दो डिफरेंट स्पीशीज को कर रहे हैं मेट। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें हम हर्ड इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सबके सब इंप्रूव कर जाए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सिमेन, मान लीजिए कि पुष्कर में एक 10 करोड़ का भैंसा है, वहां से उसका सिमेन लाना है, तो सिमेन कलेक्ट करेंगे, क्रायो प्रिजर्व करेंगे और सीधा ट्रांसपोर्ट कर देंगे, और जिस फीमेल को प्रेग्नेंट करना चाहते हैं वहां पे कर सकते हैं। मोइट क्या है? मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। ये कैसे करते हैं? जेनेटिकली सुपीरियर मेल लिया, फीमेल ली, FSH लाइक एक्टिविटी को इसको इंजेक्शन दिया, सुपर ओवुलेशन हुई, 6 to 8 अंडे बने, यहाँ पे सीमेन को आर्टिफिशियल इंसेमिनेट किया, फर्टिलाइजेशन हुई, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुई, 8 से 32 सेल स्टेज में नॉन सर्जिकली उसे निकाल के सेरोगेट मदर पे इम्प्लांट कर दिया। बस ठीक है, इस तरीके से हुआ हमारा मॉइट। इतना पार्ट में स्ट्रैटेजीज का समझा दिया है, बाकी का आप खुद करेंगे। यस ठीक है। अब बेटा देखो, ये अब गाय भैंसों को पढ़ना वढ़ना यार ये बहुत इजी है, और वो तो टेबल्स वगैरह जो तुम मेरे से उम्मीद कर रहे हो उसके लिए मैंने 1 पेज नोट्स लगा दिए हैं, उसको याद कर लो, करने तुम्हें ही पड़ेंगे याद, मेरे पास इसकी ट्रिक्स नहीं है। यस देखो, ये वाली कह रहे हो ना टेबल, सब समझ रही हूँ मैं, वो पता है तुम ये 2 टेबल कह रहे हो, इसका मैं एक ट्रिक बता देती हूँ याद करने का। जहां सोना होगा वो वीट होगा, जहां सोना है वहां वीट है, कल्याण सोना इज अ वेराइटी ऑफ वीट, सोनालिका इज अ वेराइटी ऑफ वीट, ठीक है, रत्ना एंड जय आर वेराइटी ऑफ राइस। ये टेबल मुझे भी आज तक याद नहीं हुई है, फ्रैंकली सेइंग मेरे से नहीं होता, ठीक है। यस, बाकी सारे नोट्स मैं अभी शेयर कर रही हूँ, कल सुबह 11:30 बजे की क्लास में मुझे सारे बच्चे चाहिए असर्शन रीजन की क्लास में। आज बेटा एक्चुअली ना मैंने एक मेडिसिन ली थी, उससे वापस से ना मुझे पैल्पिटेशन स्टार्ट हो गई है, मैंने बीच में डिसकंटिन्यू कर दी थी अपनी वाली मेडिसिन, आज मैंने वापस लिया ना, उससे मेरी फिर तबीयत खराब हो गई है। यस, वरना मैं अभी और पढ़ा देती, मैं मेरी वाली मेडिसिन है यस, ये अभी मैंने ली और लिटरली मेरा सर वापस घूमना शुरू हो गया बहुत बुरी तरह, ये वही वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई है जो कुछ दिन पहले हो रही थी मुझे, अब लगता है मैं इसको, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता मैं अपनी हेल्थ को साइड में रखती हूँ, और आई मेक श्योर कि आप लोग का बढ़िया से हो जाए, पता नहीं मैं पार्टी में जा भी पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी, मेरा सर बहुत तेज घूमना शुरू हो गया, बहुत तेज, पता नहीं व्हाट हैज हैपेंड, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है सर में। आई जस्ट स्टॉप द सेशन, नोट्स दे दिए मैंने बेटा, ठीक है, हाँ बाय बेटा, बाय।